नारा, हम जैनों का एक ही नारा। देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवानों को हमारा बारंबार नमन स्वीकार हो। हम नमोस्तु करते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज को, विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को हम बारंबार वंदन करते हैं। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बीच में श्री अभय जैन जी शांति मोहल्ले से आए हैं। विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज समीर शिखर जी को पर्यटन स्थल बनने से हमें रोकना है। सकल जैन समाज और विश्व जैन संगठन द्वारा यहां विशाल जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के विभिन्न भागों से लोग अपने जोश खरोश में आए हैं कि हमें अपने तीर्थ राज की रक्षा करनी है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी का खास अभिनंदन, खास स्वागत इसलिए भी क्योंकि आप इस तपती चिलचिलाती धूप में अपने घरों के एसी, पंखे, कूलर ये सब छोड़कर अपने तीर्थ राज को बचाने की मुहिम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले बहुत दिनों से, अनेकों दिनों से हम सम्मेत शिखर जी से लगातार कुछ ऐसी बातें सुन रहे हैं जिनसे जैन समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। कभी हम सुनते हैं कि वहां पर बहुत सारे अजैन लोग, वहां पर जूते चप्पल पहनकर जा रहे हैं, वहां पर मांस अभक्ष की बिक्री हो रही है। इनसे जैन समाज की भावनाएं आहत हो रही है। मुख्य मुद्दा यह है कि जैन समाज का जो शाश्वत तीर्थ सम्मेत शिखर जी है, भारत सरकार के केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जैन समाज को सूचित किए बिना उसे वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग घोषित कर दिया गया है। इसलिए यह आज विशाल विरोध सभा यहां पर आयोजित की गई है और विशाल विरोध सभा का आगाज हम करने जा रहे हैं जिनेन्द्र प्रभु की स्तुति के साथ। और मंगलाचरण के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हूँ श्री मनोज जैन जी बलवीर नगर को। बोलो देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। बोल वर्तमान शासक नायक महावीर भगवान की। बोल सम्मे शिखर तीर्थराज की। बोल पार्श्वनाथ भगवान की। पारस मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का, पारस मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का। अरे मुझको मिला है ऐसा रास्ता, मुझको मिला है ऐसा रास्ता जो है मुक्ति द्वार का। जिनवर मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का, पारस मेरे आती जाती सांस ये मंत्र ही गाती है, नमोकार के मंत्र में रमती ही जाती है। आती जाती सांस ये मंत्र ही गाती है, नमोकार के मंत्र में रमती ही जाती है। नहीं कुछ भी नहीं ये माया दुनिया की, न जाने क्यों तेरी भक्ति मुझे हर दम भरमाती है। पारस मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का, हर मुझको मिला है ऐसा रास्ता जो है मुक्ति द्वार का। नाग नागिनी मंत्र सुन चले गए पाताल, पद्मावती धर्मेंद्र बने जब भी ताल कुछ काल। नाग नागिनी मंत्र सुन चले गए पाताल, पद्मावती धर्मेंद्र बने जब भी ताल कुछ काल। कमट की ना चली तपस्या ना हिली, करी सेवा उन दोनों ने यही सब दुनिया गाती है। पारस मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का, अरे मुझको मिला है ऐसा रास्ता जो है मुक्ति द्वार का। पारस मेरे
जैन शिखर संवेद जी चढ़कर पहुंचे हम, चढ़े 75 सीढ़िया मिले टोक दर्शन। जैन दिसंबर शेखेद जी चढ़कर पहुंचे हम, चढ़ी 75 सीढ़िया मिले टोक दर्शन। चरण वंदन किया खिली मन की कली, मगन भक्तों की ये टोली तेरी ही महिमा गाती है। पारस मेरे मैंने पाया, महामंत्र नवकार का मुझको मिला है। ऐसा रास्ता जो है मुक्ति द्वार का, पारस मेरे तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ यही हमारा नारा है। कण कण पर श्री संवेश करके है अधिकार हमारा है। मेरे साथ बोलेंगे सब, बहुत सहेलिया अब न सहेंगे, संवेश शिखर जी लेकर रहेंगे। बहुत सहेलिया अब न सहेंगे, संवेश शिखर जी लेकर रहेंगे। बहुत सहेलिया अब न सहेंगे, संवेश शिखर जी लेकर रहेंगे। बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी का। और मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री संजय जैन जी प्रीति हौजरी, श्री राकेश जैन जी नमन टेक्सटाइल, श्री अरविंद जैन जी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें, श्री राजेश कुमार सेठी जी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हमारे बीच देखिए दिल्ली NCR, मेरठ, मुजफ्फरनगर, खतौली, इन सभी स्थानों के अलावा नागालैंड से भी लोग हमारे आज के कार्यक्रम में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और अब मैं यहाँ पर प्रथम वक्ता के तौर पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री अचल जैन जी बलवीर नगर को। श्री अचल जैन जी बलवीर नगर से। तीर्थराज समेत शिखर की। देखिए बड़ा दुख होता है कि आज हम अपने ही देश में और अपने सबसे बड़े तीर्थ के लिए विरोध सभा का आयोजन करना पड़ रहा है। मतलब जिस देश के लिए जैन समाज ने कितना कार्य किया है, कितनी आहुति दी है, ये कोई बताने की चीज नहीं है। और अगस्त 2019 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, कहीं ना कहीं इसमें हम सब दोषी हैं कि आज 2022 में 3 वर्ष बाद तो हमारी जानकारी में आया है कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांके कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें विरोध क्यों करना पड़ रहा है। देखिए यहां पर सभी पार्टियों से जुड़े, सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। सभी हम लोग जैन हैं, अपने तीर्थ को बचाने के लिए तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये तीर्थ तो शाश्वत है और हमेशा है और हमेशा रहा है और रहेगा। हम लोग रहे ना रहे, ये तीर्थ तो हमेशा रहेगा। तो इसको कोई बचाने की बात नहीं है, ना ही कोई ऐसा सोचे कि ये तीर्थ हमारे हाथ से जा रहा है। एक कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है जिसकी वजह से ये अधिसूचना जारी हुई है। तो हमें अपनी बात जो सरकार में लोग बैठे हैं उनके कान तक पहुंचानी है कि ये तीर्थ हमारा है, शाश्वत है। और ये निश्चित बात है, आज संख्या बल देख करके, आज उत्साह देख करके समाज का, उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और मैं तो निश्चित रूप से पूरा आश्वस्त हूं कि ये तीर्थ हमारा रहा है, जैसा है और रहेगा। इसमें कोई सोचने वाली कोई दूसरा पर्सन ही नहीं है। मतलब ये मन से निकाल दें कि ये तीर्थ कहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं हमारे लिए। तो हमें सोचना क्या है इस बात के लिए। अब बात आ जाती है कि देखिए हमारी समाज में, मैं तो ये कहता हूं पूरी समाज में से जिसे नेता बनना है बन जाए, आगे आए, काम करे, समाज उसके पीछे है। और जो काम कर रहे हैं उनके पीछे खड़े हो जाओ, या तो नेता बन जाओ या उनके पीछे खड़े हो जाओ, तीसरा काम मत करो। ये मत कहो ये, मतलब दो ही काम करते हैं हम लोग, या तो जो समाज का काम करते हैं उनमें दोष देखते हैं या उनको सलाह देते हैं।
तो दोष देखना बंद करो, सलाह देना बंद करो। सलाह दो तो ये कहो भैया ये मेरा विचार है और मैं इसमें तुम्हारे साथ तन मन धन से साथ खड़ा हूं, तब सलाह दो। अगर साथ नहीं दे सकते सलाह मत दो। तो संजय जी ने विश्व जैन संगठन से ये आज एक बीड़ा उठाया है, उन्होंने अगवानी ली है, झंडा उठाया है। हमारा दायित्व है, हम दिखा भी रहे हैं पूरी समाज का, पूरे जितनी भी संस्थाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में, हमारी जैन समाज की संस्थाएं हैं, सबका समर्थन उनको है। उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और ये काम समझो हो गया। अब वो, क्योंकि मैं जानता हूं उनको बहुत वर्षों से, वो जनूनी आदमी है, उन्होंने जब जनून से ये काम हाथ में ले लिया तो ये काम अब निश्चित रूप से हो जाएगा। तो निश्चिंत रहे, बहुत बढ़िया आज आप लोग आए हैं तो जो है लग ही रहा है कि अब काम अपना हो जाएगा। कहीं कोई मेरे को तो संशय नहीं रहा, सब लोग कहीं भी समाज में या अपने समाज को संगठित जो आदमी कर रहा है काम कर रहा है उसके पीछे हो जाए, और नहीं तो अपना झंडा लेकर के आगे खड़े हो जाए, भाई मैं आगे हूं मेरे पीछे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो संजय जी ने जो काम किया है उसके लिए बधाई के पात्र है, हम सब पूरी समाज उनके साथ हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी तरफ से देता हूं कि जो है आत्मा से जो है मैं सबका धन्यवाद आभारी हूं कि अपने समाज के लिए अपने तीर्थ के लिए ऐसा कार्य करने के लिए आप लोग इतनी भीषण गर्मी में यहाँ आए हैं, जो है सबका धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय जिने। बहुत बहुत धन्यवाद अचल जी का। हमारे बीच में यमुना पार दिगंबर जैन महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती सुधा जैन जी आई हुई हैं, उनसे विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ अपने विचार व्यक्त करने के लिए श्री रवि जैन गुरु जी को, श्री रवि जैन गुरु जी। और हमारे सभी वक्ता देखिए वैसे तो अपने क्षेत्रों में पारंगत हैं, सभी कुशल हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मंच की गरिमा का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त में बोले, किसी भी व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष, किसी भी राजनीतिक दल या जाति विशेष के बारे में कोई भी टिप्पणी ना करें और मंच की गरिमा का ध्यान रखें। बोलिए देवादि देव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की। बंधु आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में एक धर्मपरायण सरकार होने के बाद आज हमें दूसरी बार यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा होना पड़ा। बंधुओं देखिए, शासन जो होता है, प्रशासन जो होता है, वो एक माँ के समान होता है, और अगर बच्चे को जरा सी भी पीड़ा होती है तो माँ पूरी पूरी रात जागकर उसका लालन पोषण करती है, उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करती है। लेकिन आज 4 महीने बीतने के बाद भी अगर सरकार ने हमारी बात अब तक नहीं सुनी तो निश्चित रूप से आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन तो बनता है। बंधुओं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आवश्यकता बस थोड़ा सा जागृत होने की है। मैंने पहले बार भी कहा था, हमें अपना इतिहास खंगालने की आवश्यकता है। हमारे इतिहास में टोडर मल भी हुए हैं और ऐसी ऐसी हस्तियां हुई हैं जिनका उल्लेख हमारे इतिहास में है। देखिए हम लोग अहिंसक समाज है और अहिंसा हमारा मूल मंत्र है, और हमेशा हमारे गुरुओं ने अहिंसा पर चलने का हमें रास्ता बताया है, और हमें उसी पे चलते हुए इस समाज के साथ सरकार को बताना है कि ये जो शाश्वत तीर्थ है ये हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। अगर सरकार को कुछ सुविधा देनी है तो हमारे जैन धर्म की जो प्रमुख कमेटियां हैं उनको अपने साथ लेकर उनके समर्थन से सम्मेलन शिखर जी पर कोई सुविधा देनी है तो वो दे, अन्यथा इसको पर्यटन स्थल तो बिल्कुल ना बताए। क्योंकि कल रात मैं देख रहा था एक प्रोग्राम आया था आदिनाथ चैनल पर, उसपे हमारे संजय जी ने बताया कि अगर ये अधिसूचना जो जारी की है इसके अनुसार सरकार वहां पर 5-स्टार होटल भी बना सकती है, और 5-स्टार होटल अगर बनेगा तो उसमें बंधुओं आपको पता ही है कि वेज और नॉन वेज दोनों का प्रयोग होता है। एक ऐसा शाश्वत तीर्थ
जिसका कण कण हमारे लिए पूजनीय है, जिसके ऊपर हम जूते चप्पल लेकर जाना भी पाप समझते हैं, वहां अगर नॉन वेज का प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से जैन धर्म आहत होगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम सब आज यहाँ जो एकत्र हुए हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज के इस प्रदर्शन से सरकार हमारी बात अवश्य सुनेगी और ये अधिसूचना जल्द वापस लेगी। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय जी को मैं अर्ध से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें बताया कि ये अधिसूचना जारी हो चुकी है। निश्चित रूप से हम लोग तो आंखें बंद कर बैठे हुए थे बेफिक्र से, लेकिन संजय जी का आभार, उन्होंने हमें बताया और जब अब बताया है तो हम इसको विरोध करते हुए वापस कराकर ही चैन से बैठेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रवि गुरु जी का। हमारे बीच में श्री मनीष जैन सूरजमल विहार से उपस्थित हैं, उनसे विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विकास जैन योजना विहार से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरठ कैंट से विधानसभा चुनाव में लोकदल की प्रत्याशी रही हैं मनीषा अहलावत जैन, ये हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री राहुल जैन जी को सूरजमल विहार से, यहाँ पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। श्री राहुल जैन जी। जय बोलिए देवादि देव आदिनाथ भगवान की। कहते हैं ना कि सबसे पहले अपना धर्म, और उसी संदर्भ में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आदरणीय मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं सभी हमारे समाज के श्रेष्ठी जन व पूरी दिल्ली से आए हुए हमारे जैन समाज के सभी गणमान्य लोग। हम सबका एक ही नारा है कि सरकार ने जो 2 अगस्त 2019 को हमारे सम्मेलन शिखर के लिए जो अधिसूचना जारी करी कि उसको तीर्थ क्षेत्र के साथ में पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाए, हम सब उसके विरोध में आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उस तीर्थराज क्षेत्र से जहां से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, उसके कण कण पर अधिकार जैन समाज का है, और जैन समाज उस क्षेत्र की गरिमा को, उस क्षेत्र की मर्यादा को बचाए रखने के लिए सरकार से अनुरोध करता है कि इस अधिसूचना को वापस ले, क्योंकि उस क्षेत्र के ऊपर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वहां पर किसी भी रूप में क्षेत्र की मर्यादा को भंग करा जाए। आज इस कड़ी के अंदर विश्व जैन संगठन ने भाई संजय जी के नेतृत्व में हम सभी के सहयोग से, संपूर्ण जैन समाज का उनको सहयोग है, सभी मंदिरों से सभी साथियों ने मिलकर आज ये बीड़ा उठाया है, और जंतर मंतर पर ही अपार जन समूह जो हजारों की संख्या में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हम सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि सरकार से हम विनम्र अनुरोध करें कि जैन समाज सबको सहयोग करता है, सरकार के हर काम में सहभागी रहता है, देश की उन्नति के पथ पर जैन समाज हमेशा बढ़ चढ़कर सहयोग करता है। तो हम सरकार से भी अपेक्षा रखते हैं कि तीर्थराज सम्मेलन शिखर पर जो ये अब इन लोगों ने अधिसूचना जारी करी है, उसको पुनर्विचार करके तत्काल प्रभाव से रद्द करा जाए और क्षेत्र की गरिमा को बचाया जाए। अब आप इसी संदर्भ में हमारे पूर्व और वक्ता भी ये अपनी बात रखेंगे, मैं ज्यादा समय न लेता हुए इस लड़ाई के अंदर हम सब लोग पुरजोर तरीके से शामिल हुए हैं, और जब तक सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, हम इस लड़ाई को ऐसे ही निरंतर जारी रखेंगे और समाज के साथ, पूरा समाज कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को संजय भाई के साथ, विश्व जैन संगठन के साथ हम सब लोग बराबर खड़े रहेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बोलो तीर्थराज सम्मेलन शिखर की, भगवान पार्श्वनाथ की जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी का। मंच पर बैठने के लिए, स्थान लेने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हूँ छोटा बाजार से, श्री हमारे बीच में पधारे हैं श्री रमेश चंद्र जी जैन छोटा बाजार से, श्री कमल जैन जी महामंत्री कैलाश नगर, श्रीमती सुनीता काला जैन महिला महासभा से हमारे बीच में आई हैं। कृपया मंच पर आकर आप अपना स्थान ग्रहण करें।
और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ, देखिए एक ऐसे समाज सेवी जो निरंतर लोगों को सम्मेद शिखर जी की यात्रा करवा रहे हैं, और इस बार वो 5500 लोगों को लेकर जा रहे हैं सम्मेद शिखर जी की यात्रा करवाने के लिए, आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर श्री पवन गोधा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी उनका स्वागत करेंगे। श्री पवन गोधा जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और आपकी आवाज ही नहीं है, अभी तो आवाज हमें झारखंड तक पहुंचानी है। जय बोलिए सम्मेद शिखर तीर्थ राज की, पार्श्वनाथ भगवान की। आज का सबसे पहला अभिनंदन हमारे संजय भाई का, जिन्होंने ये कार्य, आप सामने बोर्ड देख रहे होंगे, बैनर देख रहे होंगे, जिन्होंने लिखा है विश्व जैन संगठन। ना कोई जैन संगठन, विश्व जैन संगठन, यानी पूरे विश्व को साथ लेके चलने वाले ऐसे संजय भाई के सम्मान में सबसे पहला सम्मान आज का हमारे संजय भाई का, जो दुनिया के सभी देश 172 देश इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बंधुओं, पैसा आपने बहुत कमा लिया कोई बात नहीं है, पर मेरा निवेदन है आप सभी से कि हमारे सम्मेद शिखर तीर्थराज को बचाने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। हम सभी जितने बड़े लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप ये ना सोचे कि जैन समाज के 45 लाख लोग हैं, भैया नहीं, जैन साहब, जैन समाज 45 लाख नहीं है। जैन समाज वो समाज है जो 45 करोड़ लोगों को चलाती है। जैन समाज वो समाज है जो देश में सबसे ज्यादा विश्व में टैक्स भरती है। जैन समाज वो समाज है, अगर आज उसको मानते तो शायद कोरोना जैसी महामारी भी नहीं होती। माननीय मोदी जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो, गृह मंत्री जी, अमित शाह जी हमारी आवाज सुन रहे हो, आपसे निवेदन है कि जैन समाज एक बहुत ही अहिंसक समाज है, पर आप ये ना समझे कि हम अहिंसक रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम हिंसक भी होंगे, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है, हमारा रहेगा, हमारा था। आप सभी से मेरा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, उनसे भी हमारा निवेदन है कि भैया आपके पूरे झारखंड को जैन समाज ने चला रखा है और आप ये क्या गलती कर रहे हैं, शायद इसका हर्जाना आपको बहुत जल्दी भरना पड़ेगा। माननीय सुरेंद्र साहब, आप हमारी ये बात सुन करके और आज ही इस बात का निर्णय ले कि हमारा ये क्षेत्र जो जैन समाज का है, हम जैन समाज को समर्पित करते हैं, कोई किसी तरह की अड़चन पैदा ना करे, और जो वन्य जीव आपने घोषित किया है उसे आप अपने आप जल्दी से जल्दी जैन समाज से माफी मांग करके उसे जैन समाज को समर्पित कर दे, क्योंकि ये वो समाज है जो जैन समाज आज सारे विश्व में, जिसका नाम आप जानते हो कि जैन समाज क्या समाज है। आप सभी लोग तैयार रहे, ये संजय भाई की आवाज नहीं है, ये पूरे विश्व के जैन समाज की आवाज है कि हमें आगे कुछ भी करना पड़ा हम सब उसके लिए तैयार है। एक बार आप सभी लोग हाथ खड़ा करके ये बोले कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बंधुओं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारे गुरुदेव, हमारे मुनिराज जब 1 साल तक बिना आहार लिए रह सकते हैं, तो क्या हम 8 घंटे या नहीं रह सकते हैं, क्या हम 4 घंटे या नहीं रह सकते हैं। हमें 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना भी जंतर मंतर पर बैठना पड़ा तो सम्मेद शिखर जी के लिए बैठेंगे, क्योंकि वह क्षेत्र हमेशा जैन समाज का है। और आज हम देखते हैं वह जूते चप्पल लेके लोग जा रहे हैं, भैया क्यों जा रहे हो, आप अपना जीवन समाप्त कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि उस भूमि पे कण कण में भगवान है। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि आप सभी को जिस तरीके से आज संजय भाई ने ये कार्य किया है, हम सबको मिलकर के ये कार्य करना है, और संजय भाई का ही नहीं, पूरे जैन समाज का, विश्व जैन संगठन का और जितनी भी समितियां हैं उन सबको एक बैनर के नीचे आकर के इस कार्य को हमको करना है, सभी को मिलकर के करना है, जब ही ये कार्य सिद्ध होगा आगे आने वाले समय में। हो सकता है आज हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में, मेरा निवेदन है सभी जगह से जहां पर जैन समाज है, चाहे जयपुर हो, इंदौर हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, हम सब जगह मिलकर के और धरना प्रदर्शन करेंगे। आने वाली 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हम करीब 5500 यात्रियों को लेकर के जा रहे हैं, और ये भी मैं संजय भाई से आज
वादा करता हूं कि संजय भाई आप ही मुख्य कार्यकर्ता वहां पर रहेंगे और 5500 यात्री वहां पर भी धरना प्रदर्शन आने वाली 10 अक्टूबर को आप सभी के समक्ष वहां पर भी देखने को मिलेगा, जिसका प्रसारण भी सभी चैनलों के माध्यम से करेंगे। अगर माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी हमारी बात को सुन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और हम इस धरना प्रदर्शन को यही समाप्त कर देंगे। जय जिनेंद्र। मैं पवन जैन गोदा आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि जब भी संजय भाई बुलाएं, जब भी जैन समाज बुलाएं, आप सबको एकत्रित होकर के यहां पर आना है, आना है, आना है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनोज पवन, बहुत बहुत धन्यवाद श्री गोधा जी का। देखिए उनकी आवाज से जोश आ गया, खरोश आ गया और आज के इस कार्यक्रम में हमें पावन सानिध्य, हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है चुल्लक योग भूषण जी महाराज का। महाराज श्री हमारे बीच में पधार चुके हैं मंच पर। महाराज श्री ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। हम सभी मिलकर सामूहिक रूप से महाराज श्री को इच्छामी करते हैं। हमारे बीच में श्री सौरभ सेन जी मुनिराज, श्री विवेक मुनिराज जी हमारे बीच में स्थान ले चुके हैं। हम उन सभी को हार्दिक उनका अभिनंदन करते हैं। हम उन सभी को यथा योग्य नमन करते हैं। श्री शरद जैन जी कृष्णा नगर से महामंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री शरद जैन जी कृष्णा नगर से हमारे बीच में श्री नवीन जैन ज्योति नगर से पधारे हैं। मंच पर आकर वे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विकास जैन जी योजना विहार से हमारे बीच में आए हैं। उनसे भी विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री संजीव जैन जी अध्यक्ष सूरज मल विहार से हमारे बीच में आए हैं। श्री संजीव जैन जी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ यमुना पार के प्रवक्ता श्री विजेंद्र जैन जी को कि वे यहाँ पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्री विजेंद्र जैन जी बोली शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेलन शिखर जी की। बिल्कुल कुछ नहीं होगा आपकी आवाज से। बोली जैन धर्म की, विश्व धर्म की, महावीर भगवान की। धन्यवाद बंधुओं। आज हम सब जिस कार्य के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, ये एक ऐसा विषय है जो हमारे शरीर से ताल्लुक रखता है। आप कहेंगे साहब इसमें शरीर कहां से आ गया। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब ये 2019 में ये अध्यादेश आया तो उसमें ये शब्द आया कि श्री समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र के एक भाग को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। बंधुओं मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कोई आदमी स्वस्थ हो और उसके हाथ काट दिए जाए तो उसे सहन होगा क्या? जरा हाथ उठा के बताओ, सहन होगा क्या? और पैर काट दिए जाए तो सहन होगा क्या? चलो एक काम करते हैं, एक आंख निकाल लेते हैं तो सहन होगा क्या? जब कोई भी चीज सहन नहीं होगी तो जो हमारा शाश्वत शरीर है, जो हमारा शाश्वत पीठ है, हम उसके एक भाग को वन्य जीव अभ्यारण के लिए कभी भी परमिशन नहीं देंगे, नहीं देंगे। बंधु आपको सचेत हो जाना है। जिस दिन हमारा जैन समाज सचेत हो जाया करता है तो वो सारा चीज अपने आप कायम हो जाती है। मुझे वो क्षण याद आते हैं कि 1150 दिन तक आचार्य शांति सागर महाराज ने अन्न आहार का त्याग कर दिया और जब अन्न आहार का त्याग कर दिया तो सरकार को झुकना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वो जैन धर्म के हक में आया और जैन धर्म की जीत हुई थी। आज फिर वही एक समय हमारे बीच आ चुका है कि कोई भी कोई ना कोई व्यक्ति एक चीज को उठाता है, लेकिन अगर ये कड़ी बन जाया करती है, हम और आप एक कड़ी हैं और उस कड़ी में कहीं जोड़ नहीं आना चाहिए, ऐसा मजबूत उसमें टाका लग जाना चाहिए कि सरकार को यह पता चल जाए कि आज जैन धर्म के, जैन समाज के
सभी लोग एक हो चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ये अध्यादेश वापसी होगा और हम सम्मेलन शिखर की पुनः वंदना कर पाएंगे और अच्छी प्रकार से अपना जो वचन है उसे निभा पाएंगे। भाव सहित वंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं है। अरे जिस तीर्थ क्षेत्र के लिए तो यह कहा गया है कि एक बार उस तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर लो तो नरक गति और पशु गति नहीं मिलने वाली है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र पे हम मत्स्य पालन की अनुमति कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो बंधुओं, मैं आपसे, क्योंकि समय कम है, एक ही अनुरोध करना चाहता हूं। जैन विश्व संगठन के माध्यम से यह बीड़ा उठाया गया है और आप सभी को अभी बार बार जरूरत पड़ेगी, अभी तो छोटा सा काम शुरू हुआ है, तो जब भी जरूरत पड़ेगी आप सभी को एकत्रित होकर यहां पर आना है, अपनी बात को समाज के सामने रखना है। कल हमारी इस विषय में जो माइनॉरिटी सेल है उसमें जैन प्रतिनिधि भाई जिनप्पा जी गुंडे से लगभग आधा घंटे चर्चा हुई और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही इस कार्य को लेकर मंत्री जी से मिलेंगे और इस अध्यादेश को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। अभी माननीय चक्रे जी से भी बात हुई कि हम सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुख्यमंत्री जी और वहां के राज्यपाल और अन्य लोगों से भी मिलेंगे और हम सब एक न एक रूप में साथ होंगे और जल्द ही हम इस तीर्थ क्षेत्र को बचाएंगे। बोले पावन तीर्थ क्षेत्र की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, महावीर भगवान की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विजेंद्र जैन जी का। और हमारे बीच में भट्टारक जैन मंदिर पारस ज्योति संघ से प्रधान श्रीमती रचना जी और निधि जी हमारे बीच में आई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में पधारे हैं कैलाश नगर से श्री आदिश्वर जैन जी, नवीन छात्रा से धनपाल जैन जी, अनिल जैन संकल्प साधु सेवा समिति छोटा बाजार से, वीरेंद्र जैन कैथवाड़ा से हमारे बीच में पधारे हैं, श्री मुकेश जैन जी यमुना विहार से और वीर सैन जी गौतमपुरी से हमारे बीच में आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और अब मैं यहाँ मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री विपिन जैन जी अहिंसा बिल्डर से हमारे बीच में उपस्थित हैं, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजेश जैन जी भजनपुरा से हमारे बीच में आए हैं, प्रवक्ता है यमुना पार जैन समाज के। श्री विराज जैन जी यमुना पार जैन समाज के प्रवक्ता, मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष, आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर, प्रमुख समाज सेवी श्री गजराज गंगवाल जी पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम उनका, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब मैं यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री मदन लाल जी जैन गांधीनगर से हमारे बीच में आए हैं, श्री मदन लाल जी जैन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, चाहते हो संपदा सुख से बिताना जिंदगी, रोग शोक रहे ना कहीं, ना रहे मन गंदगी, और प्रेम से निस्दिन सुमर लो और कर लो बंदगी। आए हैं श्री पार्श ले लो ये हमारी बंदगी, बंदगी है बंदगी, ये लो हमारी बंदगी। मातवा माँ धन्य है जिसने तुम्हें पैदा किया, अश्वसेन प्रसन्न कुल में दीप है पैदा हुआ। 100 बरस की आई पाई तन मिला नो हाथ का, तन गया सीना छू चरण पारस नाथ का। आए हैं श्री पार्श ले लो ये हमारी बंदगी, बंदगी है बंदगी। प्रिय बंधु, जिस प्रकार शरीर के अंदर प्राण ना रहे, सांस चली जाए, आत्मा चली जाए, तो क्या वह शरीर कुछ कर सकेगा? ये हमारे प्राण हैं। पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र हमारा प्राण है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमें
कोई सरकार से आज तक जैन समाज ने किसी भी धर्म के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, किसी देश की संपत्ति का एक पैसे का नुकसान नहीं किया, कभी हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि देश बदनाम हो, प्रिय बंधुओं। लेकिन ये कार्य एक ऐसा कार्य है जो कि हमारे प्राण हैं, इन प्राणों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमें हमारा सिद्ध क्षेत्र जो अनादि काल से करोड़ों करोड़ों 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि के साथ साथ एक एक टोंक से करोड़ों करोड़े मुनि मोक्ष गए, उस परम पवित्र भूमि को हम मस्तक नवा करके अपने को धन्य मानते हैं और अपने जीवन को सार्थक मानते हैं। प्रिय बंधुओं, सार्थकता यही है कि हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई सरकार से हम ये नहीं मांग रहे कि हमें किसी देश के ऊपर आक्रमण करना है या किसी की धर्म के ऊपर को आक्रमण करना है। केवल हमारा सिद्ध क्षेत्र है, अनादिकाल से है, था, रहेगा और किसी भी प्रकार से हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और संजय जी से और सारी समाज एक साथ एकजुट होकर के जिस प्रकार से ये पिछला धरना भी हुआ था और ये इस समय 5000 के करीब लोग बाग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन ये भी आप ध्यान रखें कि अगला जो धरना होगा अगर सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो हमारा ये धरना पूरे हिंदुस्तान की जनता, पूरी जनता, हिंदुस्तान की जनता जिसको ये कहते हैं 50 लाख, मैं ये कहता हूँ कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय 55 MP जैन समाज के थे, एक आधा % की जनसंख्या और 55 MP इस देश को चलाने के लिए थे। परंतु बंधुओं, आज दुर्भाग्य ऐसा है कि हम इस बात को भूल गए कि संगठन भी कोई चीज होता है। आज हमें फिर पता लगा कि संगठन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे प्राण, हमारी जो धरोहर है उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्रिय बंधुओं, हमें पूर्ण प्रतिज्ञा करनी है कि अगली बार अगर संजय जी ने ये बात फिर रखी तो हम यहाँ पर 5 लाख की संख्या में उपस्थित होंगे और जवाब बता देंगे सरकार को कि हम क्या चाहते हैं। परंतु एक बात ध्यान सुन लें, हम अहिंसक तो हैं पर कायर नहीं है। अहिंसक तो जरूर हैं, कायर नहीं है कि अपने धर्म पर आक्रमण हो और हम एक चुपचाप बैठे रहें, ऐसा नहीं होगा। हम अपने प्राणों की बाजी भी लगाएंगे, भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और अपने कारोबार भी बंद करेंगे। परंतु समाज अगर चाहता है, देश जनता चाहती है, सिद्धू सोरेन जी वहाँ के मुख्य, उनके पुत्र उनके वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस बात को बहुत शीघ्र समझकर इसको समाप्त किया जाए और जैन धर्म का जो कार्य है जो अहिंसा पूर्वक है, कभी किसी का हमको नुकसान नहीं चाहते। इसलिए मेरा सबसे प्रार्थना है कि इसमें सहयोग दें और जितना देश का टैक्स है, आधी % समाज और 24% टैक्स देती है, देखिए कमाल का कमाल, 24% टैक्स देती है, तो इस टैक्स से जो लोग देश को चला रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि जैन समाज के दुख को समझते हुए इस कार्य को शीघ्र समाप्त करें। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हमारे बीच में तिजारा जी प्रबंध कार्यकारिणी से श्री वरुण जी और उनकी पूरी टीम आई है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच में भीम गली विश्वास नगर मंदिर समिति से श्री वज्र सैन जी, अरविंद जैन जी, एके जैन और नीरज जैन जी हमारे बीच में आए हैं। वे सभी आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में शुभकामना परिवार से श्री विजेंद्र जैन जी आए हैं, वे भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रिया एनक्लेव से हमारे बीच में पधारे हैं श्री प्रवीण जैन जी, उनसे भी विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब
और अब मैं यहां पर आमंत्रित करने जा रही हूं जैन समाज की उस शख्सियत को जिनका जन्म ही शायद जैन धर्म के उत्थान के लिए, जैन धर्म पर आए व्यवधानों को दूर करने के लिए, जैन समाज पर आए उपसर्गों को दूर करने के लिए हुआ है। एक संजय महाभारत में थे, कृपया शांति से बैठे। एक संजय महाभारत में थे जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र की पूरी घटना के बारे में बताया था। एक संजय जैन विश्व जैन संगठन के हमारी जैन समाज में है जो कि अपनी जान की बाजी जिन्होंने लगा दी, आमरण अनशन पर बैठ गए थे जब जैन समाज को माइनॉरिटी का हक दिलवाना था, इसी जंतर मंतर पर संथारप के विषय में अपना पक्ष रखा था, आप सभी ने समर्थन दिया था। दो महीने पहले अभी 26 मार्च को विशाल विरोध सभा यहां पर आयोजित की गई थी जिसमें अनेक संख्या में जैन समाज के लोग यहां पर आए थे अपने अहिंसक तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए। सम्मेद शिखर जी को कोई हमारा वन्य अभयारण्य नहीं है, वो हमारा शाश्वत सम्मेद शिखर जी हमारा तीर्थ है जहां का कण कण पवित्र है। मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी स्वागत करेंगे संजय जैन जी का। जय बोलो श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की। बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बड़ी दूर दूर से आपने यहाँ पर आकर गर्मी में हमें बल दिया उस श्री सम्मेद शिखर जी के कण कण को, जिसको एक गजट के द्वारा अपवित्र करने का प्रयास किया गया, उस केंद्रीय वन मंत्रालय और झारखंड सरकार द्वारा, जिसे सकल जैन समाज किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। बंधुओं, लोग हमारे उस श्री पर्वतराज पर जूते लेकर उस टोक पर बैठे, लाना थे हम पर और उन पर जो उस टोकों पर जाकर बैठे, जिनको हम प्रातः वंदना करते हैं, जिनकी विषय यही समाप्त नहीं होता है। 17 मार्च को हमें यह गजट नोटिफिकेशन मिलता है जिसके अंदर लिखा है कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग जैनों का पवित्र तीर्थ माना जाता है। अरे माना जाता है नहीं, जैसे राम जन्मभूमि में अयोध्या में है, ऐसे न अधिकाल से 20 जैन तीर्थंकरों अनंत अनंत संतों अनंत 2400 की वो हमारी भूमि है। आपने इसके अंदर उसकी स्वतंत्र पहचान को नष्ट करने का जो प्रयास किया है, जैन समाज अपनी जान दे देगा लेकिन उस सम्मेलन शिखर के लिए एक शब्द भी अपमान का सहन नहीं करेगा। बंधुओं, ये बात केवल संजय जैन या विश्व जैन संगठन की नहीं है, उस बच्चे की है जिसने जैन कुल में जन्म लिया है। आप लिखते हैं माना जाता है, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस श्री सम्मेद शिखर का उल्लेख अपने भाषणों में करते हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरह से जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि का उल्लेख करते हैं, आप उसको मजाक बना के रख दिया। अरे तो जैन समाज है, हिंसक रूप से अपनी बात रख रहा है, अन्य किसी और समाज की बात होती तो आज पता नहीं देश में क्या हो जाता। आप देख ही रहे हैं इस विषय को। आपने इसके अंदर 20 जैन तीर्थंकर नहीं लिखा, आपने इसके अंदर सम्मेद शिखर नहीं लिखा। हमारे पास प्रमाण है अंग्रेजों के श्री सम्मेद शिखर। मैं जैन धर्म या जैन के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, इस देश की प्राचीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से कह रहा हूं। आपने इसके अंदर श्री सम्मेद शिखर के नाम की स्वतंत्रता पर पहचान आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है, जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हम आपको चिट्ठी लिखते हैं, आप हमारे मेरे को वन मंत्रालय से फोन आता है उस अफसर का जो हमें चिट्ठी पे जवाब देती है कि जी नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, आप झारखंड सरकार से जाके बात करिए। अरे ये साजिश है झारखंड सरकार और केंद्रीय वन मंत्रालय की, आपने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। और मैं आपको बंधुओं बताऊं, किसी भी गजट नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए सबसे पहले 60 दिन के लिए आपको एक दो अखबारों में और एक रीजनल अखबारों में निकाला जाना होता है, जिसके अंदर स्थानीय जो लोग होते हैं, जो उसके जो संबंधित होते हैं, वो उसमें अपनी आपत्ति या सुझाव सरकार को भेजती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है इस जैन तीर्थ के लिए। आपने 60 दिन के लिए अपनी वेबसाइट पर लगा दिया, किसी अखबार में पब्लिश नहीं किया, ये हमारे पास आरटीआई में जवाब है। आप समझ सकते हैं साजिश को।
132 एंट्री उसमें आई केवल, जिसके अंदर एक भी जैन की आपत्ति या सुझाव नहीं है। कितने शर्म की बात है। क्या आपको नहीं लगता है साजिश है हमारे श्री सम्मेलन शिखर के लिए? और किस लिए ये किस लिए किया जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। 2018 के अंदर तत्कालीन हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, वो चाहते हैं कि झारखंड के अंदर जितनी भी पहाड़ियां हैं उन सब पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पर्यावरण टूरिज्म की व्यवस्था की जाए। वहां पर क्या पर्यटन के लिए है वो तीर्थ? क्या वो तीर्थ पर्यटन के लिए है? क्या आप स्वीकार करेंगे कोई आदमी वहां जाकर पर्यटन करे? मैं इस जंतर मंतर से अपने माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी जिससे हम मिले, हमने उनसे निवेदन किया, वो कहते हैं जी कर्नाटक में भी एक वन्य जीव अभ्यारण है, होगा? अरे उसकी बाउंड्री है, वहां मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक व्यवस्था है, लेकिन हमारा श्री सम्मेलन शिखर पर जो हमारी टॉक्स है वो किसी बाउंड्री के अंदर नहीं है, वो ओपन है। क्या वहां पर रात को लोग जाएंगे? जो लोग वहां पर टेंट लगाकर रहेंगे पर्यावरण पर्यटन के अंदर, क्या वो उन टॉकों पर नहीं जाएंगे? अगर 15 जनवरी को वहां लोग जूते लेकर जा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं उस तीर्थ पर किस तरह से लोग जाएंगे। हमारी आवाज को हल्के से ले लिया गया है। डर तो है कहीं ना कहीं उन्हें अहिंसा का, क्योंकि अहिंसा में 60% तक किसी भी आंदोलन को जीतने की शक्ति होती है। इसी जंतर मंतर से हमने अनशन किया अपनी माइनॉरिटी के लिए। हमारा उद्देश्य क्या था? हमारे तीर्थ सुरक्षित हो। जैन समाज ने हमेशा ऐसे हाथ रखा है, ऐसे हाथ नहीं रखा कभी भी। हमारा एकमात्र उद्देश्य था हमारे जो तीर्थराज है, हमारे जो शिक्षण संस्थान है, धार्मिक स्थान है, वो सब सुरक्षित हो। क्या इस दिन के लिए हमने वो माइनॉरिटी ली थी? क्या हमारा अल्पसंख्यकता इसके लिए है? क्या जैन समाज देश को चलाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए ही रह गया है? क्या केवल टैक्स देने के लिए रह गया है? क्या वोट की सब कुछ होता है? आप वोट बैंक देखते हो, नोट बैंक भी देखना। अगर जैन समाज अपनी पर आ गया तो देश में एक रुपया भी जीएसटी टैक्स नहीं जमा करेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप एक छोटे छोटे मंदिर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आप एक छोटे छोटी जगहों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अरे जैन समाज का दिल देखो, 15 अगस्त 1947 को, चाहे हमारी गिरनार की पांचवीं चौक हो या श्री सम्मेलन शिखर जी हो, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, वो धार्मिक क्षेत्र है। आप जानते हैं वो हजारों साल लाखों साल से है। मैं तो 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 को दोनों स्थानों की हमारी धार्मिक स्थान है, मेरे पास रिटर्न में चीजें है। और आज वहां पर आपने एक कमेटी बना दी, आठ लोगों की कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई है इस गजट के अंदर। वो लोग हमारे उस तीर्थराज पर अगर कल को ईंट भी लगानी होगी तो वो परमिशन देंगे, लेकिन उसके अंदर हमारे जैन समाज का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। क्या ये आपको स्वीकार है? मैं इस जंतर मंतर से आवाज देता हूं सरकार को और निवेदन करता हूं, आप इसको तत्काल रद्द करें। अभी हमने यहां पर धरने के लिए आज हमने दिल्ली पुलिस को परमिशन दी, आज हमें यहां शाम तक की परमिशन मिली है। हमने राजघाट पर आमरण करने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने हमें आज तक परमिशन नहीं दी। क्यों? क्या इस देश में राजशाही हो गई? क्या लोकतंत्र नहीं है यहां? मेरा राइट टू हंगर स्ट्राइक है, मेरा 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 जो है इस देश में अधिकार है। मैं अपनी बात रखने के लिए हंगर स्ट्राइक करूं, फास्ट एंटल डेथ करूं, मैं जो चाहे करूं, मैं स्वतंत्र हूं अपने धर्म के लिए, मैं स्वतंत्र हूं। हम रहे या ना रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी लानत नहीं देगी हमको कि हमारा भी पिता, हमारे बाप ने अपने तीर्थराज की स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया था। मैं आपको साधुवाद देता हूं जो घर से निकलकर आज इस यहां पर आए हैं, और मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा, पूरे देश में उन संस्थाओं से भी निवेदन करूंगा। ये किसी संस्था विशेष या व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये श्री सम्मेलन शिखर की बात है, उन तीर्थंकरों की बात है। जब जब बात धर्म की आती है बंधुओं, अन्य धर्मों के लोगों को देखो, वो एक मंच पर आकर कार्य करते हैं, अपने धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पंथवाद, संतवाद और संस्थावाद में अगर आप जाओगे तो हमारे तीर्थ सब लुट चुके हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं इस मंच पर बैठी हूं हमारे बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही हमारी संस्थाओं के बड़े बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, ये हम आपके अनुचर हैं, हम आपके सैनिक हैं, आप आगे बढ़िए, हमें अपनी प्राण भी देने पड़े तो हम आपके साथ हैं।
लेकिन आप हमारे श्री सम्मेलन शिखर को इस साल के अंदर हर हाल में इस गजट को नोटिफिकेशन को रद्द कराना है। और मैं आपको यह घोषणा करता हूं आज 4 अगस्त को भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याण है, 2 अगस्त 2019 को ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं यहाँ इस मंच से आज सरकार को निवेदन करता हूँ, चेतावनी देता हूँ, अगर आपने 1 अगस्त 2019 से इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया तो ये संजय जैन 2 अगस्त 2019 से आमरण अनशन करेगा, चाहे प्राण रहे चाहे ना रहे, आप परमिशन दे या ना दे, हम सड़क पर लेट जाएंगे लेकिन अपने श्री सम्मेलन शिखर को हर हाल में स्वतंत्र घोषित करा के रहेंगे। बंधुओं, तीर्थ राज हमारा है, निश्चित रूप से हमारा है, हम तुम्हारे साथ नहीं, हम सब साथ है। जब महावीर भगवान की। बंधुओं, मैं आपको दो जानकारी और देना चाहूंगा, हमारे इस गजट नोटिफिकेशन को हमारे द्वारा 27 जनवरी को जो हमारे लिए हमने सरकार को नोटिस दिया था वो केवल हमारी त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच की व्यवस्था के लिए हमने दिया था। हमारे पर्वत राज पर त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच हो, जिसके अंदर चेक पोस्ट लगी हो, बैरियर्स लगे हो, पुलिस पर्सनल हो, वो जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी में पंजीकरण होता है हमारे उस तीर्थ पर भी पंजीकरण होना चाहिए। अरे ये क्या बात हुई, कोई भी आदमी जूते चप्पल लेकर बैग लेकर मां शराब लेकर वहां जाकर वो डिस्को डांस करता है, अरे टांग क्यों नहीं तोड़ दी गई उनकी जिन्होंने हमारे उस तीर्थ राज पर पैर रखने की कोशिश की। हम अहिंसक है, आपको विरोधी हिंसा में पढ़ना, तनबल और तलवार से तैयार नहीं है, पर प्रत्येक जैनी को अपने धर्म की रक्षा के लिए जिन बिंब जिन आयतन जैन धर्म पर जरा सी भी विपत्ति आने पर प्रत्येक जैनी को तनबल और तलवार से तैयार रहना चाहिए। अहिंसा का मतलब पढ़िए क्या होता है, भाव हिंसा। हम लोग कोई अपने धर्म के लिए रक्षा के लिए कोई हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, जैन समाज कभी हिंसा नहीं करेगा, लेकिन अपनी जान तो दे सकते हैं अपने तीर्थ के लिए। बंधुओं, क्या हमारी जान इतनी कीमती हो गई जो अपने श्री सम्मेय शिखर जी को बचाने के लिए नहीं दे सकते, जहां से अनंत अनंत सिद्ध मोक्ष गए, क्या हम छोटे से प्राणी पापी लोग क्या अपने तीर्थ के लिए नहीं रख सकते, थोड़ा काम कर सकते हम? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हमें लिख के दिया है, हमारे पास रिटर्न में है कि हाँ, इस तीर्थ की इस नोटिफिकेशन से उस तीर्थ की जो है स्वतंत्र पहचान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, लेकिन सरकार इसको बहुत हल्के से ले रही है, बहुत हल्के से ले रही है। हालांकि खलबली तो मच चुकी है और आज के बाद और खलबली मचेगी। मैं पुनः आज इस मंच से घोषणा करता हूं 2 अगस्त 2019 को वो आमरण अनशन होगा जो सरकार ने कभी नहीं देखा होगा। 2022 को 2 अगस्त 2022 से इस काला दिवस मनाया जाएगा इस गजट नोटिफिकेशन के दिन को। जो बंधु जो भी बंधु मेरी बात को आदिनाथ चैनल पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मंच पर मेरे वरिष्ठ बैठे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, सभी संस्थाओं से हमारी जो श्रेष्ठ संस्थाएं हैं उनसे विनती करूंगा, कृपया आप हमें मार्गदर्शन दे, आशीर्वाद दे। विश्व जैन संगठन केवल कार्यकर्ताओं का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, हमारा लक्ष्य है अपनी तीर्थराज पर जो कमेटियां काम कर रही हैं उनको केवल सपोर्ट करना है, हमें किसी भी प्रकार से कोई अधिकार को डोनेशन को राइट्स नहीं चाहिए। हमने सरकार को चिट्ठी लिख के दी है, हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन सोशल मीडिया के माध्यम से नेट पर डाली हुई है, आप कोई भी चिट्ठी उठाकर देख सकते हैं और गजट नोटिफिकेशन की कॉपी भी हमने अपलोड की है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि गुप्त रूप से हम कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे समाज का बच्चा बच्चा जाने कि उसके साथ और उसके तीर्थ राज के साथ क्या होने जा रहा है। और आप अभी बोल लेते ना हमारा है, मैं आपको जानकारी दे दूं, 49 किलोमीटर में इस गजट में लिखा है एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है, 49 किलोमीटर जिस पर अनादिकाल से जैन समाज ने पूजा की है, अभी वो कहते हैं एक भाग माना जाता है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, 48 कोस जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है एक 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 भाग की, तो यह मैं कभी भी स्वीकार नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। तो निश्चित रूप से मुझे आशा है कि हमारा समाज जागेगा, हमें बल देगा, हम अपने प्राण दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, जो चाहे ले लो हमसे, लेकिन हमारा श्री सम्मेलन शिखर की पवित्र पहचान हमें वापस दे दो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात से अगर कोई किसी को पीड़ा हुई हो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और इस आज के इस आंदोलन में हमारे बहुत से लोगों ने बहुत सहयोग किया,
सार्वजनिक रूप से हमने किसी से कोई सहयोग नहीं लिया, क्योंकि संगठन बहुत दिनों से कार्य कर रहा है और बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे बंधु हमारे यहाँ, राजेश जी और हमारे विकास जी और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर हमें सहयोग दे रहे हैं। हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है यश जैन जी और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर सहयोग दिया। माननीय चक्रेश जैन जी, गजराज गंगवाल जी, आपने हमें पूरा मार्गदर्शन दिया और हमें आशा है कि इसी प्रकार से हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संजय जी संघर्ष करो, संजय जी संघर्ष करो, संजय जी संघर्ष करो। बहुत सहेलियां अपना सहेंगे, बहुत सहेलियां अपना सहेंगे, बहुत सहेलियां अपना सहेंगे। और बिल्कुल हमारा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र संवेद शिखर जी अहिंसक तीर्थ क्षेत्र घोषित होगा, ना कि वो कोई पर्यटन स्थल है, ना था ना आगे रहेगा। कर कर जहां का पवित्र है और आगे भी रहेगा, हमारे जैन धर्म की आस्था का केंद्र था और आगे भी रहेगा। और अब मैं यहां पर आमंत्रित कर रही हूं, हमारे बीच में लाल मंदिर के अध्यक्ष श्री चक्रेश जैन जी हमारे बीच में है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि चक्रेश जैन जी यहाँ आकर अपने विचार व्यक्त करें। उपस्थित बंधुओं, सभा में पधारे हुए अलग अलग क्षेत्रों से हमारे जैन समाज के सभी अनुयायीगण, अभी संजय जैन के भाषण के बाद मुझे वो कह रहा है कि अब आप बोलो। मैं कहा इतना जोश दिखा दिया और हमने भी अपना जोश दिखा दिया इस धरने में, जब पहली बार इन्होंने जिक्र किया मुझसे। देखिए भैया, या तो आप बोल लो या मैं बोल लूँ, अगर बात शांति से सुननी है दो मिनट, मैं उतनी जोर से तो बोल नहीं पाऊँगा। आप जरा बात सुनिए, हमारे यहाँ हर कार्यक्रम में बातचीत में आपस की उलझ जाते हैं और आगे की बात को ध्यान से सुनते हुए भी ना सुनी हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ध्यान से बात को सुनिए। कभी आपने ये चिंतन किया है कि जैनियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? चिंतन करो आप इस बात का, हमारे तीर्थों पर हमला क्यों होता है, हमारी ही बात क्यों नहीं सुनी जाती? पैसा हम देते हैं, टैक्स हम देते हैं, सेवा हम करते हैं, कहीं पे कैशियर बनाना हो जैन समाज से चंदा हम देते हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन हो चाहे कहीं का, वहां पे हम सम्मिलित होते हैं। तो हमारे उस सम्मिलित होने की कुर्बानी ये है कि हम ही धक्के खाते फिरते हैं, हम मांगते फिरते हैं, ये हमारा अधिकार है। पहली बात तो ये ध्यान में रखो, ये हमारा अधिकार है। हमसे जो छीनने का प्रयत्न करेगा उसका आंख निकाल दे। कोई अहिंसा ये नहीं कहती कि कमजोर बनो, अहिंसा ये भी नहीं कहती। अब गिरनार जी में हमें बहुत कठिनाई महसूस होती है, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? जो कुछ किया जा सकता है कर रहे हैं, लेकिन ये तो इनिशियल स्टेज है सम्मेलन शिखर की। सम्मेलन शिखर की स्टेज पे तुमने पर्यटन बढ़ाने का सोचा क्यों? हम चाहें तो जमीन में से पानी निकाल दें, हम चाहें तो हमारे एक एक साधु में वो ताकत है मंत्रों की शक्ति से काम कर दे। ताकत है या नहीं है? और फिर भी हम परेशान होते फिर रहे हैं, हम मामूली नहीं है। जैन लोगों की ताकत बहुत बड़ी है, हम अपनी ताकत को पहचानते नहीं है। लेकिन आज एक शुरुआत हुई है, आगे मैं नहीं समझता कि जरूरत दान बढ़ेगी। बनिया की डेफिनेशन जानते हो आप? बनिया जो अपना काम बना ले वो बनिया। काम कैसे बने? सोचने का अभिप्राय यह है, करने की बात यह है कि हम अपना काम कैसे बनाए। धरने प्रदर्शन तो करो और खूब डट कर करो, लेकिन पैरेलली हम अपने ऑपरेशन भी जारी रखें, ये मेरा सुझाव है। और संजय और उनके कई साथी कई बार मेरे से मिले, चार पांच बार,
मैं तो रास्ता बता सकता हूँ, उस रास्ते पे चलोगे। माइनॉरिटी का बरसों से लड़ाई चल रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में एक चिट्ठी लिख कर दी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि संविधान की धारा 25 में जैनियों को माइनॉरिटी है। अरे संविधान में जो बात लिखी हुई, हम पे एहसान कर रहे हो क्या? हम एहसान क्यों मानते हैं सरकार का? हम धन्यवाद किस बात का करते हैं? हमें क्या ताकत है? पहचानते नहीं हो ना? मैं पहचान कराता हूं। आपकी एक वोट में वो ताकत है जो किसी की ताकत वोट में ताकत नहीं है। कारण भी जानो। हम व्यापारी लोग हैं, हमारे एक एक क्या 20-30-40 एम्प्लॉयज भी होंगे, उनके साथी भी होंगे, उनके पास वो ताकत है उसको लेके चले तो तख्ता पलट दें। तुम तो कह रहे हो मामूली बात है, हमें शिखर जी लेना है। अरे गवर्नमेंट को पलट दो, ऐसी गवर्नमेंट नहीं है तो सुनती नहीं बात को। आप एकता तो करके दिखाओ, आप ये तो दिखाओ कि हम खड़े हैं। वो संजय क्या करेगा और कोई क्या करेगा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब इलेक्शन का टाइम आएगा हम घुस जाएंगे अपने अपने दरबे में। दिखा दो, हम नहीं मानते किसी को। जो हमें नहीं मानता हम उसे नहीं मानते। और सिर्फ एक बार ये दिखा दिया, सिर्फ एक बार, उस दिन काया पलट हो जाएगी जैन समाज की, मेरा गारंटी है। इस बार करते तो हो नहीं, और धरने प्रदर्शन में तो आए, बड़े धन्यवाद है आपका। और जब भी बुलाएंगे इससे दुगनी तादाद में आना, एक कसम खा के जाना कि एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को लेकर आएगा। तुम 5 को लेकर तो आओ, फिर दिखाओ। अंधेरा है, एक छोटी सी बत्ती रोशनी कर देती है। ऐसी रोशनी होगी कि बुझाने से नहीं बुझेगी, ऐसी आग लगेगी जो हटेगी नहीं। हमारे पूर्व मेयर निर्मल जैन जी आए, देखो मुझे तो किसी पॉलिटिशियन हो पॉलिटिकल पार्टी हो, हम एक व्यक्ति से हमारा हक हमें लेना है और काम को बना के चलना है। बाकी बातें फिर कभी बताऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री चक्रेश जैन जी का। देखिए उनका जोश और उत्साह देखकर हम भी एनर्जी से भर जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सभी चक्रेश जी के लिए। हमारे बीच में तिजारा कमेटी से श्री निर्मल जैन जी आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरधना मेरठ से हमारे बीच में श्री नमन जैन जी अपनी पूरी टीम को लेकर आए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में डॉक्टर डीसी जैन जी जो एम्स के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, हमारे बीच में आए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए आज के हमारे कार्यक्रम में, आज की विरोध सभा में 100 से अधिक शैलियों के अध्यक्ष मंत्री आए हुए हैं। बहुत सारे वक्ता हैं जो यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन समाज के बहुत से गणमान्य अतिथि गण हमारे बीच में आए हैं। हम आप सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं, आप सभी की भावनाओं की कद्र करते हैं। आप सभी यहाँ पर आए हैं, अपने अनमोल समय में से पल आपने निकाले हैं, इस चिलचिलाती तपती धूप में आप सभी यहाँ पर आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष, आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर, प्रमुख समाज सेवी श्री गजराज गंगवाल जैन जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी उनका स्वागत करेंगे। जब लो सम्मेलन शिखर तीर्थराज की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। भाइयों और बहनों, आज जो सम्मेलन शिखर का विषय जो हमारे सामने आया है, ये इस प्रकरण का पूरे समाज को किसी को कुछ पता नहीं था। जब अप्रैल के अंदर में हम विज्ञान भवन में महावीर जयंती मना रहे थे, तो
पता लगा कि इस तरीका से कोई नोटिफिकेशन आया है और वो संजय जी के पास में है। मैंने कहा उस दिन हमको नोटिफिकेशन की कॉपी इसलिए नहीं मिल पाई कि वो भी निकल गए थे, मैं भी वहां से निकल चुका था। जब यह नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे हाथ लगी, उस दिन से ही एक चीज समझने की कोशिश की कि यह हुआ तो कैसे हुआ। उसके बाद उसका हमने पत्र बना करके किसी डिपार्टमेंट को दिया। उन्होंने एक ही सवाल किया कि आप लोग 3 साल तक कहां थे। भाई साहब, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज पेपर में निकली नहीं और एक वेबसाइट में डाल दी गई वन विभाग के वेबसाइट में, उस वेबसाइट को कितने आदमी देखते हैं। जब वो किसी के जानकारी में आई नहीं तो 3 साल और 2 साल क्या होता है। जब जानकारी में कोई बात आती है तभी जो है उस पर कार्रवाई होती है। मुझे उम्मीद है कि इसका हल सरकार से ही निकलेगा, लेकिन हमने पूरा पता करने की फिर कोशिश की तो पता लगा कि यह रघुवर दास सरकार में भी यह फाइल आई थी, लेकिन रघुवर दास जी ने उस पर साइन नहीं किया था। तो फिर किसने साइन किया था? तो एक कॉपी सरकार में जहां मैं गया था वहां से बाबूलाल जी मरांडी को दी गई कि आखिर यह हुआ कैसे है। मैं अभी भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह नोटिफिकेशन कोई पुरानी डेट में निकल के सरकार के पास पड़ा था और उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ है। सारी जानकारी 5-7 दिन में क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात पक्की है कि ये जो आज संख्या जो जैन समाज की इकट्ठी हुई है, ये तो एक सिर्फ सैंपल है, ये तो सैंपल है। जिस दिन जैन समाज अपने आप में आ जाएगी उस दिन लाखों आदमी इसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। ये हमारी आन मान शान की लड़ाई है। सम्मे शिखर का कनकन हमारे लिए पूजनीय है और वहां पर किसी भी तरीका का कोई भी गलत कार्य होगा ये जैन समाज कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन हम अहिंसक समाज है, हम बात से ही इस काम को निपटाने की कोशिश करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। अगर हम कामयाब नहीं होते हैं तो पूरे भारतवर्ष के जैन इसके लिए अपनी बलिदान देने के लिए तैयार हो जाए। क्यों कि आने वाला समय हमारे बच्चे पूछेंगे कि सम्मे शिखर का क्या हुआ, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। इसलिए सम्मे शिखर के मामले में चाहे हमारी कितनी भी आपस की लड़ाई हो, सम्मे शिखर के मामले में पूरी जैन समाज को एक होना है और अपनी ताकत पर सम्मे शिखर के पहाड़ को इस अध्यादेश से बाहर करवाना है। ये हमारा प्रण है और इसमें हम जरूर कामयाब होंगे। सही वक्त का इंतजार हमें करना होगा। भीड़ तो कुछ भी नहीं है, भीड़ तो जगह जगह हर राज्यों में। अभी एक बार से डॉक्टर डीसी जैन साहब ने मुझे भेजा था, एक 3 दिन पहले पुणे के अंदर में एक एजिटेशन निकला था जैन समाज का, जिसमें 50,000 आदमी थे। हम तो लाखों आदमी की उम्मीद कर रहे हैं और लाखों आदमी इस सम्मे शिखर के मामले को लेकर खड़े होंगे और जो चीज होगी हम इसके लिए लड़ेंगे और हम जीत भी हासिल करेंगे। हम कायर नहीं है, हम अहिंसक हैं, लेकिन जहां सम्मे शिखर की बात आएगी तो हम अपना प्राण की भी बाजी लगा देंगे। मैं आश्वासन देता हूं कि इस मामले को हम लोग बहुत तरीके से निपटाएंगे और नहीं तो दूसरी ताकत भी दिखा करके और सम्मे शिखर को इससे भरी करवाएंगे। मैं सबसे आप लोगों से, इतनी धूप में आप लोग बैठे हुए हैं, और भी लोगों को बहुत कुछ कहना है और पहले भी सब सारी बात कह चुके हैं, खाली अब तो हमको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। लेकिन अभी हमको 15-20 दिन तक जो है, जब तक सरकार से क्या होता है, क्योंकि अभी राज्यसभा को लेकर के राज्यसभा के चुनाव होने, सरकार बीजी है
और 15-20 तारीख के आसपास कुछ न कुछ इसका पॉजिटिव रास्ता निकलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको बहुत तरीके से ही और इसको बाहर करवा लेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर जैन समाज एक होकर के और इसका पूरा जन आंदोलन छेड़ेगी और सम्मेय शिखर को हम बचाएंगे। सम्मेय शिखर हमारा कहीं नहीं जाने वाला, आप निश्चिंत रहिए। सम्मेय शिखर के लिए सब कोई अपना प्राण भी दे देंगे, सम्मेय शिखर कहीं नहीं जाएगा। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री गजराज जी का। बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने हम सभी के अंदर जोश लगाया है कि सम्मेय शिखर जी हमारा है, हम उसे लेकर रहेंगे चाहे हमें अपने प्राणों की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़ जाए। हमारे बीच में उपस्थित हैं भोगल से श्री राकेश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नव भारत टाइम से हमारे बीच में आए हैं श्री रमेश जैन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में राकेश जैन जी इंडियन न्यूज से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और अब मैं यहाँ पर हमारे बीच में ईडीएमसी के पूर्व मेयर श्री निर्मल जैन जी पधार चुके हैं, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और भोलानाथ जैन समाज के अध्यक्ष, भोलानाथ नगर जैन समाज के अध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं, आपका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ मेरठ कैंट से विधानसभा चुनाव में लोकल दल की प्रत्याशी रही मनीषा अहलावत जैन जी को, ये हमारे बीच में मेरठ कैंट से विधानसभा चुनाव में लोकल दल की प्रत्याशी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम मनीषा जैन जी का स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र साथियों। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी श्री संजय जैन जी का, राकेश जैन जी का, यश जैन जी का और श्रीमती ऋतु जैन जी का कि इन्होंने मुझे, रुचि जैन जी का कि इन्होंने मुझे इतना आदर पूर्वक इस मंच पे स्थान दिया। और मेरठ से मेरे छोटे भाई सुदीप जैन जी जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए एक तरह से प्रेरित किया और वो एक जोत जगाई है और मैं देख रही हूँ यहाँ पे हजारों लोग एकत्रित हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सम्मेय शिखर जी के सम्मान के लिए, तो किसी ने पहले भी कहा था कि वो आपका है और आपका ही रहेगा, उसे आपसे ले तो कोई नहीं सकता, लेकिन उसकी निरादर करना और उसकी उसको उसकी अखंडता पे प्रश्न चिन्ह लगाना ये निंदनीय है और इसके लिए आपको एक होना पड़ेगा और सरकार से ये निवेदन करना पड़ेगा, इसी मंच से नहीं हर मंच से, चाहे मैं किसी भी राजनीतिक दल में हूँ लेकिन मुझे लगता है धर्म राजनीति से ऊपर है और हम सबको एक होकर इसके लिए लड़ना पड़ेगा। जैन समाज जिसकी मैं बहू हूँ ये ना समझे कि वो अकेले हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ हर समाज जुड़ेगा, मेरठ में ये मेरा वादा है। और सरदना में हमारी परंपरा रही है, मेरे पिताजी वहाँ से विधायक रहे हैं और सरदना का जैन समाज और हमारा एक अलग ही रिश्ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप अकेले नहीं हैं, आप आगे बढ़िए, ये राष्ट्रीय धरोहर है, इसमें हर समाज को आगे आना होगा और जैन समाज का साथ देना होगा। जय जिनेंद्र। और अब मैं यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ विश्व जैन संगठन के महामंत्री श्री सुदीप जैन जी को। श्री सुदीप जैन जी यहाँ पर आए और अपने जोशीले वक्तव्य के साथ हम सभी में ऊर्जा का संचार करें। श्री सुदीप जी। सम्मानित मंच और सादरणीय उपस्थित बंधुओं, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं से सुना, एक मंच में प्रश्न उठता है कि ऐसा हमारे जैन समाज के साथ ही क्यों किया जाता है। कभी संथाला का प्रकरण हो, कभी पिच्छी का प्रकरण हो, कभी हमारे रोड एक्सीडेंट हो हमारे साधुओं के साथ, ऐसा क्यों? क्या हमारे जैन समाज को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है, या ये माना जाता है कि ये अहिंसक हैं, कायर हैं, या ये माना जाता है कि ये छोटी सी संख्या में है इनसे हमें क्या करना, या ये माना जाता है कि ये तो है ही हमारे। ये जो गजट जारी किया गया इसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि ये धार्मिक मंच जरूर है, सामाजिक मंच जरूर है, पर हमें एक प्रण लेना होगा कि हम उसी राजनीतिक पार्टी उसी शासन के साथ होंगे, क्योंकि ये सारी नीतियां नियम कानून
सब राजनीतिक पार्टी की मंशा और शासन की मंशा से बनते हैं कि जो हमारे तीर्थों की रक्षा करेगा, जो हमारे जनत्व की रक्षा करेगा, जो हमारे संस्कृति की रक्षा करेगा, जो हमारी रक्षा करेगा, जो हमें आवाज देगा संसद तक, हम उसके साथ होंगे। हम किसी के बंधुआ नहीं है। अगर किसी पार्टी को ये भ्रम है कि ये तो है ही हमारे, तो एक बात जान लीजिए कि जिस वस्तु के खोने का डर नहीं होता, जिस वस्तु के खोने का डर नहीं होता, वो आंगन में बाहर सड़ती रहती है। उसे धूप लगती है, उसे गर्मी लगती है, उसे बरसात लगती है। और जिस वस्तु के खोने का डर होता है वो अंदर तिजोरी में होती है। तो हमें ये आभास कराना होगा कि हम आपसे खो भी सकते हैं और हम उसी के होंगे जो हमारा होगा। ये गजट में क्या लिखा गया, हमारी आपत्तियां क्या है, माना जाता है एक भाग है वन्य जीव अभ्यारण है। अरे वो कोई एक भाग नहीं है, वो कोई वन्य जीव अभ्यारण नहीं है और वो कोई माना नहीं जाता। वो हमारे 22 जैन तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है। हमें विश्वास है, हमें सत्य है और माने जाते में आशंका है। हमको कोई आशंका नहीं है, वो हमारे जैन तीर्थंकरों की है। और अगर आप भ्रम फैलाएंगे, हम आपको भ्रम नहीं फैला देंगे। भाग जब हमारे गिरनार पर्वत पर रोपवे का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, तो वहां क्या किया गया, क्या कहा गया कि यहाँ अंबा माता का मंदिर है, यहाँ दत्तात्रेय का मंदिर है और यहाँ जैन मंदिर भी है, इसके शाश्वत रिकॉर्ड है। तो क्या आपकी यही कुचेष्टा, यही मानसिकता है हमारे समय शिखर जी के लिए भी कि वो एक भाग में है? हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब आप 500 वर्ष पूर्व ये खुदा कर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ क्या था, किसका स्वामित्व था, कौन था, तो साक्षात 20 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने नेमनाथ भगवान की 5वीं टोक की वंदना पूर्ण अपनी पूजन पद्धति और अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ करी होगी। अगर आज आप वहां पर जैन धर्म की जय भी नहीं बोल सकते, ऐसा करते हैं तो आपके साथ मारपिटाई गाली गलौज की जाती है। और कितने वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व। अरे आप 500 साल पहले का खोदना चाह रहे हैं, तो 20 वर्ष पूर्व जिस अराजकता के साथ आपने हमारा तीर्थ लिया है, उस अराजकता के साथ, उसी सम्मान के साथ हमारा गिरनार भी लौटाइए। और समय शिखर तो हम जाने नहीं देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुदीप जी का। हाँ, और देखिए कार्यक्रम के पश्चात आप सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था श्री पवन गोधा जी की तरफ से की गई है। उन्होंने विनम्र निवेदन किया है कि सभी लोग नाश्ता ग्रहण करके जाएंगे। हमारे बीच में वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर शिवाजी पार्क शाहदरा से प्रधान श्री प्रमोद जैन जी अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। और देखिए आज के कार्यक्रम में जितनी संख्या पुरुषों की है उतनी ही संख्या महिलाओं की है। ये समाज की महिला शक्ति है जो किसी भी काम में आगे रहती है, किसी भी काम में पीछे नहीं हटती है। घर परिवार को तो महिलाएं संभालती ही हैं, घर में भी आगे रहती है। और जब सामाजिक कार्य कोई होता है, चाहे बात आंदोलन की हो, चाहे धरने की हो, चाहे विशाल विरोध सभा की हो, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और अब मैं यहाँ पर ऐसी ही एक महिला को आमंत्रित करने जा रही हूँ जिन्होंने हजारों महिलाओं को अपने साथ में जोड़ा है, महिलाओं के हित के लिए काम किया है। विश्व जैन संगठन के महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका श्रीमती रुचि जैन जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी रुचि जी का स्वागत करेंगे। इनके हौसलों को हम सलाम करते हैं, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। सभी बंधुओं, माताओं, बहनों को जय जिनेंद्र। आज बहुत शॉर्ट में बोला जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है बहुत शॉर्ट में बोलिएगा। और शिखर जी के बारे में सभी लोगों ने सब कुछ कहा, तो उस बारे में ज़्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी है कि जितनी माताएं बहनें हमारे यहाँ गर्मी में धूप में बैठी है, और उन सभी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। ये माताएं बहनें दिल्ली के अलग अलग कोने से आई हैं और अपने घर परिवारों से कुछ माताएं बहनें शायद लड़कर भी आई होंगी कि हमें शिखर जी के लिए जाना है, जाना है। अगर किसी के घर से परिवार वालों ने अगर नहीं दी होगी अनुमति, तो वो माताएं बहनें अपने ऊपर होकर आई होंगी। पता नहीं कितने कितने संकट सहकर आई होंगी, लेकिन माताएं बहनें जितनी स्थिति में है, आज से पहले जैन धर्म ने कभी इतनी माताएं बहनों को धरने पे नहीं देखा होगा। इसलिए इन माताओं बहनों के लिए आप एक जोरदार तालियों का इनका स्वागत कीजिएगा। कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में आए शिखर जी से लेकर, और हम आप लोगों के सामने सरकार से पूछना चाहते हैं।
कि सर्वोच्च तीर्थों के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आपने राष्ट्रीय न्यूज़पेपर और स्थानीय न्यूज़पेपर में गजट को क्यों नहीं जारी किया? क्या आप मानते हैं कि जारी करना चाहिए था? दोनों हाथ उठाकर अनुमोदन कीजिएगा। वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी आपने शिखर जी में बनाई और शिखर जी झारखंड में आता है। झारखंड में केवल शिखर जी ही एक सर्वोच्च पर्वत नहीं था, एक बैजनाथ नाम का भी सर्वोच्च पर्वत था। लेकिन फिर क्या कारण रहे कि आपने शिखर जी को ही वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी बनाने के लिए चुना गया, जबकि वहां पर पिछले 100 वर्षों में किसी ने एक सांप को भी, हमें नहीं याद आता कि किसी ने एक सांप भी देखा होगा, और आप वहां कहते हैं कि आपने कुछ ऐसे संरक्षित करने के लिए वन्य जंतुओं की वजह से आपने वर्ल्ड वाइड सेंचुरी बनाई, तो क्या आप इससे सहमत हैं? दोनों हाथ उठाकर कहिएगा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने अहिंसा और शाकाहार पर स्थित इस धर्म की मान्यताओं को कितना तेज कुठाराघात किया है ये हम सभी जानते हैं। क्या कारण थे कि उन्होंने शाकाहार समाज और अहिंसक समाज के सर्वोच्च तीर्थ श्री समेत शिखर जी पर ही मत्स्य पालन और मुर्गी पालन को रखा गया? ऐसा क्यों किया सरकार ने? क्या आप सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर उठा कर कहिएगा। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशालतम संभावनाओं वाला पर्यटक स्थल से भरपूर देश है। यहाँ पर कदम कदम पर आपको पर्यटक स्थल मिल जाएंगे। आपने त्रुमाला पर्वत को पर्यटक स्थल नहीं बनाया, आपने नियमगिरी को पर्वत पर्यटन स्थल नहीं बनाया, वहां पर अरबों करोड़ों रुपए के आपने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया क्योंकि आदिवासियों ने ऐतराज उठाया। त्रुमाला पर्वत को हिंदुओं के लिए संरक्षित कर दिया, फिर ऐसा क्यों था? ऐसा क्या कारण था कि आपने जैनों के सर्वोच्च स्थल, जैनों के प्राण, जैनों की आन बान शान शिखर जी को उनसे छीनने के लिए ये कदम उठाया? आपने ये साजिश रची, आपने गुपचुप तरीके से यह शिखर जी अपने नाम करने की कोशिश की वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी की आड़ में। क्या आप इससे सहमत है? सरकार द्वारा जैनों को संज्ञान में लिए बिना क्यों किया गया यह कार्य? क्या सरकार को जैनों को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए था? जैन समुदाय के साथ हम बहुत सहिष्णुता, बहुत प्रेम भाव का हम विचार फैलाते हैं, संदेश देते हैं कि हमारे जैनों से बहुत अच्छे संबंध है, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने समेत शिखर जी पर अवैधनिक गतिविधियां लागू करके हमने उनके पीठ में खंजर घोप दिया। क्या हम सरकार के इस कर्तव्य, इस कृत्य से सहमत है? इन सवालों के जवाब जैन समुदाय आज इतनी गर्मी में, इतनी तपती धूप में, जहाँ की पारसनाथ भगवान ने भी पूरी परीक्षा ली, पूरी गर्मी थी, लेकिन जैन समाज ने बिना किसी चीज की परवाह किए, बिना भूख प्यास तप, आज अब जितने भी लोग यहाँ आए उन्होंने एक तप किया है यहाँ आकर, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2-3 नारे हमारे साथ लगाइएगा, बिल्कुल माता बहनों ने पुकारा है समय शिखर हमारा है, भाइयों ने पुकारा है, बच्चे बच्चे ने पुकारा है, जैनों ने अब धारा है समय शिखर हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। समय शिखर हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। आज हमारे यहाँ टीकमगढ़ से, तिजारा जी से, सरना से, जगह जगह से बसें आई, जबकि हमने उन्हें हाथ जोड़कर अनुमोदन की थी कि गर्मी बहुत है, आप अपने अपने क्षेत्र में रैलियां निकालिएगा, लेकिन फिर भी वो लोग आए। एक बार उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी का। हमारे बीच में नोएडा जैन समाज के अध्यक्ष श्री पवन जैन जी, उपाध्यक्ष श्री निर्मल जैन जी, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष जैन जी आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हम स्वागत करते हैं। और आप देखिए, आज हमारे कार्यक्रम में हमें विरोध सभा में मंगल आशीर्वाद मिला है, पावन सानिध्य मिला है हमारे संतों का, हमारे गुरु महाराजों का। श्वेतांबर संप्रदाय से, श्वेतांबर जैन संप्रदाय से प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में आए हैं श्री विवेक मुनि जी महाराज। हम उनका करबद्ध, हम सभी उनको करबद्ध प्रणाम करते हैं और महाराज श्री से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि वे मंगलमय वाणी से हम सभी को उद्बोधित करें। मुनि श्री विवेक मुनि जी महाराज। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।
बोलो आदिनाथ भगवान की जय। श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री सम्मेद शिखर तीर्थ की जय। जैन धर्म की जय। सरकार ने जिस तरह से हम लोगों की आस्थाओं पर, श्रद्धा पर और मान्यता पर जिस हिसाब से हमला किया है और हमारे शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर को जिस तरह से वो वन संरक्षण केंद्र बनाना चाहते हैं और तीर्थ की जो पवित्रता है, निर्मलता है, उसे मिटाना चाहते हैं, उसके लिए जैन समाज संगठित होकर के सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करता है। हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र सम्वेद शिखर, जहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष गए हैं और अनंत अनंत आत्माएं उस तीर्थ से मोक्ष को प्राप्त हुई हैं, हो रही हैं और भविष्य में होंगी, जहां का कण कण हमारी आस्था का, हमारी श्रद्धा का और हमारी भक्ति का केंद्र है, उस तीर्थ को बचाने के लिए हमें संगठित होना होगा, एक होना होगा। और युवा लोगों को आज मैं देख रहा हूं, यहां पर युवा भाई बहन भी यहां पर बहुत हैं, युवा शक्ति को संगठित हो करके और अपना समय निकाल करके इस आंदोलन में जुड़ना होगा, तभी हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं। आज बहुत जरूरी है कि हम संगठित हों, तभी हमारे तीर्थंकरों की जो परंपरा है, तीर्थों की जो पवित्रता है, जो अविरलता है, वो बचेगी। और मैं विशेष रूप से केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और झारखंड की सरकार को, उसके मुख्यमंत्री को भी विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो कार्य आपने किया है बिल्कुल गलत है, इसे वापस आपको लेना चाहिए और जैन धर्म की, जैन समाज की जो आस्था है उसका आपको आदर और सम्मान करना चाहिए, तभी जैन समाज शांति से बैठेगा। नहीं तो यह आंदोलन पूरे देश में संगठित होकर के एक उग्र रूप में का रूप धारण करेगा और जैसे भी होगा इसके लिए अगर अमरण अनशन पर भी जैन समाज के साधु साध्वियों को भी बैठना पड़े तो वो बैठेंगे, लेकिन अपनी तीर्थ की पवित्रता को, निर्मलता को और तीर्थ के क्षेत्र को खोने नहीं देंगे। तो मैं जैन समाज के सभी पदाधिकारियों को विशेष रूप से इसके लिए योग भूषण जी महाराज साहब को और समाज के जो भी अलग अलग संगठन हैं उसके कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आज के इस आयोजन के लिए विशेष रूप से उनका साधुवाद करना चाहता हूं और उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि जैन समाज को आपने जागृत किया है, लेकिन यह जैन समाज पूरे देश का जैन समाज जागृत होकर के, संगठित होकर के अपने अपने हिसाब से इसका हमें विरोध करना है, जिससे हमारी विजय होगी और हमारा वह पवित्र तीर्थ स्थान हमें पूरी पवित्रता के साथ में पुनः मिलेगा। और ये जो उन्होंने प्रस्ताव गजट पास किया है वो विशेष रूप से रुकेगा। तो मैं इन्हीं भावनाओं के साथ में पुनः फिर समाज को ये कहूंगा कि ये आंदोलन की ये शुरुआत हुई है, ये रुकना नहीं चाहिए, सतत रूप से ये पूरे देश में ये आंदोलन चलना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ में ओम अरहम, ओम अरहम। पूज्य मुनि श्री विवेक मुनि जी को बारंबार नमोस्तु करते हुए हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और हमारे बीच में तिजारा से श्री सौरभ सेन मुनिवर पधारे हैं, हम मुनिवर को नमन करते हुए उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि यहाँ आकर वो अपना वक्तव्य दें, अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। मुनि
सौरभ सेन जी महाराज। हमारे बीच में बाहुबली एनक्लेव से श्री पवन जैन जी पधारे हैं, मंच पर आकर वे अपना स्थान ग्रहण करें। बाहुबली एनक्लेव से श्री पवन जैन जी। क्षेत्र की देखिए, आप लोग ठंडा ठंडा पानी भी पी रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, उसके साथ खाली उंगली दो जय जयकार लगाना है। चंद्रपुर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जैन धर्म की। भव्य आत्माओं, हमारा क्षेत्र हजारों साल प्राचीन सम्मे शिखर जी जैनों की काशी माना जाता है। इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को और इस महान क्षेत्र को बचाना अपना कर्तव्य है, क्योंकि यहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त हुए हैं। इस सम्मे शिखर जी का एक भी कण कण बहुत पावन माना जाता है, क्योंकि हमारे जैन समाज के गणमान्य व्यक्ति, जैन समाज के बड़े आचार्य लोग, मुनि महाराज लोग, आरिका लोग सब मिलकर के इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि हमारा क्षेत्र एक ही है। ये क्षेत्र है तो जैन है, ये क्षेत्र नहीं है तो जैन कोई भी नहीं है। भाई आत्माओं, मैं आपको कहना चाहूंगा, इस क्षेत्र पे कोई भी मांसाहारी नॉनवेज बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ सब क्षेत्र, हर घर का व्यक्ति सम्मे शिखर जी हर साल पहुंचता है। उसकी भावना मन से, वचन से, काय से श्रद्धा पूर्वक वो वंदना करता है, भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है, वो व्यक्ति कहां जाता, कैसे जाता है, पैदल जाता है। भैयात्माओं, आप लोग कितने दिन से तैयारी करते हैं, हमको सम्मे शिखर जाना है, पास में भगवान का दर्शन करना है, टोक का दर्शन करना है, चंद्र प्रभु भगवान का टोक का दर्शन करना है। ये हमारे जैनों की बहुत बड़ी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बचाना अपना कर्तव्य है, अपना धर्म है, अपना पूरे जैन धर्म का बहुत अस्तित्व है। इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल नहीं करना चाहिए, पूरे सम्मे शिखर जी सब लोग पहुंच करके इस आंदोलन को हमेशा हर क्षेत्र में, हर गांव में, कितने 50 घर के समाज हो, 100 घर के समाज हो, सब गांव में एक रैली जरूर निकालना जरूरी है, क्योंकि सरकार के कान तक ये आवाज जाना जाना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र हमेशा रहेगा, था और इस क्षेत्र का हमेशा उन्नत रहेगी। इस क्षेत्र के लिए मेरा बहुत बहुत सहयोग है, आपका भी बहुत बहुत सहयोग रहेगा। इस क्षेत्र को बचाना अपना कर्तव्य है, अपना मार्गदर्शन है। यही कामना के साथ मैं बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना है। आप लोग हर गांव से, हर घर से, हर नगर से आए हैं, इसको आंदोलन को आपने सक्सेसफुल बनाया है, यही कामना के साथ बहुत बहुत मेरा मंगलमय आशीर्वाद। ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद और बारंबार नमन मुनि श्री सौरभ सेन जी को। और अब हमारे बीच में उपस्थित हैं परम श्रद्धे मंत्र महर्षि। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में जिन्होंने शाकाहार का सर्वाधिक प्रचार किया है, जो प्रोफेशन से डॉक्टर है, फिर भी वो जैन समाज के लिए, जैन समाज के हितों के लिए जो कार्य करते हैं, वे निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं। मैं यहाँ आमंत्रित करने जा रही हूँ एम्स के रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर डीसी जैन साहब को, जो कि जैन समाज के गौरव है, जैन समाज उन पर फख्र करता है। जोरदार तालियों के साथ हम सभी स्वागत करेंगे डॉक्टर डीसी जैन साहब का। बोले देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमामि हम
सिद्ध चक्रम नमामि हम विघ्नोगा प्रलम्यान्ति शाकिनी भूतपनंग विस्तम निर्विस्ताम याति स्तुयमान जिनेश्वर। देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, जैन धर्म की। बंधु, आपने आज जो संकल्प किया है कि सिद्ध क्षेत्र श्री समेत शिखर को हमें पर्यटक स्थल नहीं बना करके पवित्र स्थल घोषित कराना, आपको संभवतया संज्ञान में ना हो कि मथुरा के अंदर, मथुरा कितने लोग मथुरा का नाम सुना है, सबने हाथ उठाकर बताएं। मथुरा के अंदर मांस और शराब की दुकान नहीं खुल सकती है, ये अभी नोटिफिकेशन हुआ है और वहां पर शराब और मांस नहीं बिक सकता। लेकिन बहुत से जो अन्य क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अंदर ये सब चल रहा है। अगर हम लोग ये संकल्प कर लें कि हमें अपने परिवार को एवं अपने समाज को और अपने देश को अहिंसक संस्कृति को जन्म लेना है, तो हमें समय शिखर की रक्षा करनी होगी, क्योंकि वहां पर कुछ दुकानें खुल गई है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो उस एंट्री के गेट के ऊपर ही दुकानें खुली हुई है। वहां के कुछ अजैन लोगों ने मेरे को लिखा कि यहाँ पर देखिए कैसा अनैतिक कार्य हो रहा है, और वो लोग कोर्ट के थ्रू उसकी कार्यवाही भी कर रहे हैं। इसलिए अगर आप लोग ये कार्य करेंगे तो उनको बल मिलेगा और आप सफल होंगे। अधिक न कहते हुए मैं आज संजय जैन और आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस पुनीत कार्य को अपने हाथ में लिया है और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीसी जैन साहब का, जो उन्होंने इतने कम शब्दों में संक्षिप्त रूप में अपनी बात कही। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सभी डॉक्टर डीसी जैन साहब के लिए। हाँ, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको यहाँ पर देनी है। 26 मार्च को इसी जंतर मंतर पर एक विशाल जैन विरोध सभा का आयोजन किया गया था समेत शिखर जी को बचाने के लिए, और 29 मार्च को राज्यसभा में सांसद श्री रेवती रमन जी और उनके साथ 6 सांसदों द्वारा इस नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए निवेदन किया गया था, जो जैन समाज के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ, देखिए हमें आज के कार्यक्रम में, आज की विरोध सभा में हमें पावन सानिध्य मिल रहा है हमारे साधु संतों का। मैं आमंत्रित कर रही हूँ यहाँ पर अत्यंत श्रद्धा के साथ, अत्यंत विनम्र निवेदन के साथ करबद्ध निवेदन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित है परम श्रद्धे मंत्र महर्षि छुल्लक योग भूषण जी महाराज। महाराज श्री को बारंबार इच्छामी करते हुए उनसे निवेदन कि वे अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। एक बार दोनों हाथों की मुट्ठी बांध करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि संकट मोचक विघ्नहर्ता श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की, समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की, समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र जो जैन धर्म की परम पावन सिद्ध भूमि है, अनादि काल से जिस धरा पर तीर्थंकरों ने मुक्ति रमा का वर्णन किया है, जो हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, और उस सिद्ध क्षेत्र पर सरकार की एक कुदृष्टि जैन संतों को, जैन समाज के लोगों को कतई स्वीकार नहीं होगी। वर्ष 2020, 2021, 2022 लगातार सम्मेलन शिखर पर कुछ ना कुछ होता चला आ रहा है। पूर्व काल में हमारे तीर्थों पर, हमारे मंदिरों पर जिस तरह के अतिक्रमण हुए, आज इतिहास गवाही देता है कि कितने सारे हमारे प्रतिमाएं तोड़ दी गईं, कितने सारे मंदिरों का विध्वंस कर दिया गया। आज सरकार उन मंदिरों की खुदाई करवा करके, उनका सर्वेक्षण करवा करके जानकारी ले रही है
एक बार सम्मेद शिखर को भी जाकर के देख लीजिए और अपने देश का इतिहास पढ़ लीजिए। जब इस देश में मुगल शासन चल रहा था सन 1583 में, उस समय सम्राट अकबर ने भी यह फरमान जारी किया था कि जो जैनियों की पवित्र तीर्थ स्थली सम्मेद शिखर है उसके 50 किलोमीटर तक कोई भी किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। यह सम्राट अकबर ने 1583 में घोषित कर दिया था और आज की सरकार अब सोच रही है कि वो जैन तीर्थ है। यह तो जैन तीर्थ था, जैन तीर्थ है और जैन तीर्थ ही रहेगा। और अगर किसी भी सरकार ने, चाहे देश की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अगर किसी भी सरकार ने सम्मेद शिखर की तरफ आंख भी उठा करके देखी तो ये 0.3% जैन समाज के लोग जो देश में 25% टैक्स अदा करते हैं, आज देश में 50% से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, सबसे ज्यादा प्रबुद्ध वर्ग जैन समाज का है। केवल देश को चलाने के लिए वोट की आवश्यकता नहीं पड़ती प्रधानमंत्री जी, देश को चलाने के लिए नोट की आवश्यकता भी पड़ती है और वो नोट आपको जैन समाज से मिलते हैं। वर्ष 2022 में जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि हम सम्मेद शिखर को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर रहे हैं, उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा सम्मेद शिखर कोई घूमने की जगह नहीं है, वो तीर्थ क्षेत्र है, वो पवित्र क्षेत्र है, उसे पवित्र क्षेत्र ही रहने दीजिए। हमें पर्यटन क्षेत्र नहीं चाहिए, हमें पवित्र क्षेत्र चाहिए जहां पर किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। और अगर ये पुकार नहीं सुनी गई, अगर ये पुकार नहीं सुनी गई तो ये दिल्ली जो देश की राजधानी है, अभी संजय जी ने कहा कि मैं आने वाले मोक्ष कल्याणक महोत्सव से, भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक से हम अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। केवल आप नहीं, अगर सम्मेद शिखर पर किसी ने भी कुदृष्टि की तो समग्र जैन समाज के जितने भी संत लोग हैं, चाहे वो दिगंबर हैं चाहे वो श्वेतांबर हैं, गिरनार जैसी हालत अब दोबारा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और मैं इस मंच से आग्रह करना चाहता हूं समग्र जैन समाज के सभी संतों से भी कि 2022 में जो चतुर्मास जहां जहां भी कर रहे हैं वो हर चतुर्मास सम्मेद शिखर की सुरक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके अलावा कोई मिशन नहीं, कोई उपक्रम नहीं, कोई मठ नहीं, कोई आयोजन नहीं, केवल एक ही आयोजन सम्मेद शिखर बचाना है, बचाना है, बचाना है। तीर्थराज तीर्थ शिरोमणि सम्मेद शिखर हमें प्राणों से भी प्यारा है, ये ध्यान रहे। तो समग्र जैन समाज के संतों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार का चातुर्मास 2022 और अगले साल कौन सा 2023 और पार्श्वनाथ भगवान का नंबर कौन सा है 23, हम 2023 में सभी लोगों को सम्मेद शिखर पे जाकर के ये अधिकार दिखाने की कोशिश करेंगे कि सम्मेद शिखर पूरी तरीके से जैन अधिकार प्राप्त हो चुका है, जैनियों को अधिकार मिल चुका है। हमें सम्मेद शिखर पर जैन समाज का पूर्ण अधिकार चाहिए, आधा अधूरा अधिकार नहीं चाहिए, ये ध्यान रहे, अभी हमें पूर्ण अधिकार चाहिए। समग्र जैन समाज हिंदुस्तान, आज इस मंच पर जैन समाज की इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, उन सभी के प्रतिनिधि मौजूद हैं और इस कार्यक्रम का जिन्होंने आगाज किया है विश्व जैन संगठन, आप नाम को जरा गौर से देखिए, विश्व जैन संगठन केवल एक संगठन नहीं है बल्कि वो कहना चाह रहा है कि विश्व के जितने भी जैनी हैं उन सबका जो संगठन है वो विश्व जैन संगठन है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं संजय जी। एक महाभारत के समय में संजय थे, एक ये संजय जैन है, वो बैठ करके सब देख रहे क्या हो रहा है, ये यहां बैठ के सब देख रहे हैं सरकार क्या कर रही है, जैन समस्या कर रही है। और ये ध्यान रहे कि इस बार सम्मेद शिखर पर हमें पूर्णाधिकार चाहिए। पूर्व काल में भी बाबूलाल मरांडी जी ने वहां जाकर के किसी अन्य स्थान का शिलान्यास कर दिया, उसका विरोध हम लोगों ने किया। उसके पश्चात वहां पर जीवों की हत्या की जाती है, वहां पर मांस मदिरा की बिक्री की जाती है। जरा चिंतन करें, जो तीर्थ भूमि है, जो सिद्ध क्षेत्र है, अहिंसक लोगों का जो सिद्ध क्षेत्र है, तीर्थ भूमि है, वहां पर हम किसी भी जीव की हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तो जीवों का मुक्ति पाने का स्थान है, हमको भी अपने दुखों से मुक्ति मिले। इसके साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी जैन समाज के लोगों से और जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सम्मेद शिखर जो भूमि पर हमें कब्जा चाहिए, अधिकार चाहिए, तो भूमि का स्वामी मंगल, अभी चक्रसी बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय कि मंत्रों के द्वारा हम कुछ भी करवा सकते हैं, तो भूमि का स्वामी मंगल
और भूमि पर हम अधिकार चाहिए सूर्य इन दोनों के प्रतिनिधि के रूप में, और वो सिद्ध क्षेत्र है। तो एक छोटा सा मंत्र यहां से आप घर जाएं और रोजाना 108 बार इस मंत्र की जाप करना, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, सभी कार्यों की सिद्धि होगी, क्योंकि सिद्धानम क्योंकि सिद्ध भूमि है और उसमें पूरा अधिकार चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मंत्र की रोजाना आप जाप करें, ओम, बोलिए एक साथ, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम। और आप सभी इतनी चिलचिलाती तपती हुई धूप में यहां उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से आपकी श्रद्धा आपकी शक्ति बनेगी और ये शक्ति एक दिन रंग लाएगी और सम्मेलन शिखर पर हमारा दोबारा से पूर्ण अधिकार मिलेगा। सम्मेलन शिखर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। एक बार दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। और संजय जी ने कहा आमंत्रण करेंगे मुकुट सप्तमी से। संजय जी केवल आप अकेले नहीं है, हम लोग आपके साथ में हैं और समग्र जैन समाज आपके साथ में है, ठीक है। हमारा काम है तीर्थों की रक्षा करना। जब धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है तो धर्मो रक्षति रक्षत, तीर्थो रक्षति रक्षत। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो तीर्थों की रक्षा करता है तीर्थ उसकी रक्षा करते हैं। और अगर ये मुकुट सप्तमी से पहले पहले नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं हुई तो मैं योग भूषण महाराज आपके साथ मैं जहां भी चतुर्मास करूंगा वहीं पर समय शीघ्र बचाने के लिए अनशन आंदोलन कर सकता हूं। गिरनार जैसे हालात दोबारा नहीं होने चाहिए, गिरनार जैसे हालात दोबारा नहीं होने चाहिए, ग्वालियर गोपाल जैसे हालात दोबारा नहीं होने चाहिए। सम्मेलन शिखर पर किसी की भी कुदृष्टि रंच मात्र बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेलन शिखर जी की। महाराज जी को हम बारंबार इच्छामी करते हैं, जो उन्होंने इतना जोश आज हमारे अंदर जगा दिया है, इतना उत्साह हमारे अंदर भर दिया है। जो लोग उठ रहे थे इधर उधर चलना शुरू हो गए थे, लेकिन वापस महाराज जी के उद्बोधन से उनमें भी एक नई चेतना का संचार हो गया है। हम सब मिलकर पुनः महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार इच्छामी करते हैं। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच में पंजाब केसरी के वाइस प्रेसिडेंट श्री स्वदेश भूषण जी हमारे बीच में आए हैं। उनसे विनम्र निवेदन कि वे अपना वक्तव्य यहाँ पर अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में हमारे समक्ष रखें। श्री स्वदेश भूषण जी, जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की। मंच पर आसीन सभी संतों के चरणों में सत सत वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, महानुभावों, माताओं, बहनों, बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि सम्मेलन शिखर जी जो हमारी आस्था का क्षेत्र है, जो हमारे श्रद्धा का क्षेत्र है, उस पर समय समय पर क्यों कुटाराघात किया जाता है। मुझे नहीं मालूम यहाँ बैठे हुए कितने महानुभावों को याद होगा कि सन 63 या 64 में शिखर जी को लेकर एक रैली दिल्ली में साहू शांति प्रसाद जी के नेतृत्व में निकाली गई थी। उस रैली का असर देखिए कि वो रैली निकालकर उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के दरवाजे पर जब पहुंची तो लाल बहादुर शास्त्री बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने भाषण दिया और जो हमारा ज्ञापन था उसको स्वीकार किया। ये जैन समाज की शक्ति और संगठन की बात है। उसके बाद आप ये देखिए लगभग 30 वर्ष पहले दिल्ली में एक रैली निकाली गई शिखर जी को लेकर, जिसमें ये स्थिति बनी कि देश के कोने कोने से जहां धर्म प्रेमी बंधु आए। और मुझे वो क्षण याद आता है साहू अशोक जी से जब बात हो रही थी कि यह रैली निकालने का प्रोग्राम बनाया जाए तो उन्होंने पूछा कितने व्यक्ति होंगे। मैंने कहा जी 50,000। बोले 25,000 भी हो जाए तो मेरे को बहुत खुशी होगी। मैं कहा 1,00,000। मेरे को कहने बोले स्वदेश भूषण तुम मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बागों की भावना को सोचें, भावना को समझें।
शिखर जी एक ऐसा धार्मिक स्थान है, जब उसके लिए आप आवाज लगाएंगे तो यहाँ लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और उसका उस समय यह हुआ कि एक स्थिति ये आई कि रैली से पहले दिन अशोक जी ने कहा, बोले भाई मुझे पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास तो जो टेलीफोन आ रहे हैं उनको मैंने कहना शुरू किया है कि आप अपने क्षेत्र में ही रैली निकाल लें, दिल्ली में हम प्रबंध नहीं कर पाएंगे। उस रैली में भारतवर्ष से 200,000 व्यक्ति उपस्थित हुए थे और आज मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि गर्मी के इस मौसम में जहां 45 और 50 के बीच टेम्परेचर चल रहा हो, वहां आप लोग आके इस धूप में यहां बैठे हों। मुझे बताइए आप में से कितने ऐसे महानुभाव हैं जो आज के दिन अपने घर से भी कोई कहता कमरे से बाहर निकल के आप आ जाओ, निकलने के लिए तैयार होते। बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार हो, पर धर्म की रक्षा के लिए, अपने श्रद्धा की क्षेत्र की रक्षा के लिए यहाँ धूप में आप भूखे प्यासे बैठे हैं। यह दिखाता है एक चीज और आप समझ लीजिएगा, गर्मी में क्या होता है, रोजाना पढ़ने को मिलता है कि आज यहाँ आग लग गई, आज यहाँ आग लग गई। वो आग किस चीज से लगती है, चिंगारी से लगती है। और चिंगारी जब उठती है तो वो जगह स्थान नहीं देखती है। और मेरी सोच यह है कि जो आज आप लोगों की यहाँ उपस्थिति है शिखर जी की रक्षा के लिए, वह चिंगारी आज देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की भी राजधानी नई दिल्ली से वो चिंगारी उठ रही है और ये आग की तरह से सारे भारतवर्ष में फैलने वाली है। इसको भी सरकार को समझना होगा। इससे आप ये देखें क्या होने वाला है, जहां हम त्याग और तपस्या कर सकते हैं, हम अहिंसक रूप से उस आग को भी फैलाने में समर्थ हैं, पर हमारे क्षेत्र की रक्षा होनी चाहिए। बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया, बहुत दिन सरकारों ने जो मर्जी आई वहां कर लिया, मांस की दुकानें खुला दी या शराब की दुकानें खुला दी या उसको टूरिस्ट सेंटर घोषित कर दिया, आगे अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यह आपको आज यहां से आह्वान कर देते हैं कि आगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे, अगर करेंगे तो जैन समाज जो अल्पसंख्यक समाज है वो बड़ा टेढ़ा है, आप ये समझ लेना। अभी गुरुवर कह रहे थे कि हमारी संख्या 0.3% हो सकती है, वो 0.3 नहीं 300% है। उसका कारण समझिए कि हमारे लोग 3 हो सकते हैं, पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ट्रेड में जो योगदान है वो 300% है, 1-8% नहीं है। इस बात को ख्याल में रखते हुए वोटों का भी आप ध्यान रखें कि वोटों को जिस दिन जैन समाज उतर आएगा अपनी पर, तो वोटों को भी कन्वर्ट करने की ताकत इसमें रखता है। आप इस बात को समझ लें। मैं आज आप सभी लोगों को जो हार्दिक पीड़ा आप यहां लिए बैठे हैं, समझ नहीं आता किन शब्दों में धन्यवाद करूं आपका, किस प्रकार से आभार प्रकट करूं, पर आपकी भावना जो है वो बहुत बड़ी बलवती है। और जब भावना बलवती हो जाती है, महिलाएं किसी बात को एक जो है ठान लेती हैं या युवा वर्ग एक बात को ठान लेता है, उसमें सफलता आप ये समझे हर हालत में सफलता मिलती है। शिखर जी हो या कोई दूसरा हमारा तीर्थ क्षेत्र हो, वहां पर हमारी श्रद्धा पूर्ण रूप से बनी रहेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत जल्दी इसी बारे में हमें सफलता भी मिलेगी। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज है जहाँ से हमें अल्पसंख्यक मिली हुई है, वहाँ भी अपने एक जैन सदस्य हैं, उनसे भी परसों चर्चा हो रही थी और उन्होंने पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया है कि मैं सरकार से इस बारे में बात करूँगा और पूर्ण रूप से जैन समाज का अधिकार हर हालत में बना रहेगा। और बहुत जल्दी ही जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल से वो स्वयं आकर एक मीटिंग भी करेंगे, जो उन्होंने विश्वास दिलाया। और भाई संजय जी की मेहनत, उनका समर्पण देखते ही बनता है। भाई संजय जी, आपको किस प्रकार से मैं धन्यवाद दूं, आभार दूं कि जैन समाज की आवाज को, जैन समाज के हितों की रक्षा के लिए जो आपने आवाज उठाई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री स्वदेश भूषण जी का। देखिए सम्मेद शिखर जी के पहाड़ पर जब हम जाते हैं, जब हम चढ़ते हैं तब छाया होती है, अंधेरे में हम चढ़ जाते हैं, लेकिन जब उतरते हैं तो धूप होती है। हम भगवान के भजन गाते हुए, भक्ति करते हुए उस चिलचिलाती धूप में नंगे पांव नीचे तक उतर कर आ जाते हैं, और अब जब इतनी चिलचिलाती धूप में हम यहाँ पर आए हैं तो हम यहाँ पर क्यों बेचैन हो रहे हैं? क्या ऐसे हम सम्मेद शिखर जी को ले पाएंगे? क्या हम ऐसे सम्मेद शिखर जी की रक्षा कर पाएंगे? बैठ जाइए, जो लोग जहाँ खड़े हैं वो लोग बैठ जाइए। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच सांध्य महालक्ष्मी से श्री शरद जैन जी उपस्थित हैं। हाँ, हमारे बीच में ईडीएमसी के पूर्व मेयर श्री निर्मल जैन जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम उनका, और उनसे निवेदन कि वे दो शब्द हमारे बीच में कहें। श्री निर्मल जैन जी बोले, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जो पीछे वाले खड़े हैं वो भी आए हुए हैं कार्यक्रम में। दोनों हाथ बांध करके, मुट्ठी बांध करके, चेहरे पर आक्रोश, और हम यहां कुछ मांग करने आए हैं, जरा लगना चाहिए हमारे मुखमंडल से। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज का ये कार्यक्रम अभी एक सज्जन ने कहा है कि आपके नारे से बहुत लोगों में जोश आया है। मेरा सबसे निवेदन है, जो जहां पर खड़ा है वो वहीं बैठ जाए जरा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले सम्मेद शिखर जी शाश्वत तीर्थ की। मंच पे विराजमान सभी मुझसे तो बड़े ही हैं, हमारे साधुवन विद्वान, और ये कार्यक्रम अहिंसा जैन विश्व बंधन के माध्यम से भाई संजय जी और मेरी बहनें बहुत संख्या में जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, और बड़ी संख्या के अंदर ऐसे लोग आए हैं जो कभी शायद घर से बाहर नहीं निकले, कभी धरने प्रदर्शन में नहीं निकले। मैं उसका छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि हम तो जंतर मंतर भाजपा वाले हैं, हम तो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन मेरी धर्मपत्नी भी आज पहली बार कह रहे आप रोज जंतर मंतर जाते हो, आज मैं भी जाता हूं। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, हम सब जितने जैन धर्मावलंबी हैं, हमारे बीच में सम्मेद शिखर जी का स्थान, जैसे शरीर में प्राण होते हैं उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर शिखर जी का स्थान है। इसको कोई अलग नहीं कर सकता। कोई जैन ऐसा नहीं है कि जैन अलग हो और सम्मेद शिखर जी का स्थान अलग हो। हर एक के जीवन में यही इच्छा रहती है कि सम्मेद शिखर जी के बारंबार दर्शन पाऊं। आज भाई संजय जी उनकी टीम को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने अपने संगठन चातुर्य के जरिए इतने लोगों को, समाज के लोगों को आज इकट्ठा करके यहां पर लाए हैं। देखिए आंदोलन होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आंदोलन से एक बात निश्चित होती है कि हमारी ताकत दिखाई देती है, हमारा संगठन दिखाई देता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज के युग के अंदर अगर हम सबको अपने आप को जीवित रखना है तो अपने संगठन और अपनी ताकत दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन वो संगठन और ताकत गलत दिशा में ना जाए, गलत रूप से स्थानांतरित ना हो जाए, दूसरे लोग कहीं उसको कैप्चर ना करने, इसका भी ध्यान रखना है। भाई संजय जी, आपकी टीम ने जो इतना बड़ा काम शुरू किया है, मैं आपके पूर्णतः साथ हूं। लेकिन मैं एक निवेदन ये करना चाहूंगा, यहां मंच से बैठकर जिम्मेवारी से बात कहना चाहूंगा कि आंदोलनात्मक पहलू जो आपने शुरू किया है, सारा समाज आपके साथ है, दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का समाज आपके साथ है। लेकिन इसके साथ आप एक ऐसा शिष्टमंडल, एक ऐसा ग्रुप, ऐसे कुछ लोग, बुद्धिजीवी वर्ग,
उनको आप तैयार करें। जो लोग बकायदा मिनिस्ट्री में, मदन लाल जी मेरी बात आप बाजू समझ लिया, या विजेंद्र जी बैठे हैं और लोग बैठे हैं यहाँ विद्वान लोग, वो लोग तैयार करें। और मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी है, क्योंकि ये जो मैटर है ये दो सरकारों का मामला है। इसमें मूलतः झारखंड सरकार ने काम किया है और उसके अंदर जिस तरह, चूंकि मैं तो सरकारी तंत्र में रहा हूं, वो जिस तरह से फाइल चलती है वो फाइल अपने आप होती चली जाती है। मुझे लग रहा है कि झारखंड सरकार को इसमें रिप्रेजेंटेशन देकर और केंद्र सरकार के अंदर प्रॉपरली, जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो एप्रोप्रिएट जगह है वहां पर हम लोग ये नारे, प्रदर्शन, संगठन, आंदोलन ये तो हमें करना ही है, ये तो ये हमारी ताकत है। लेकिन उसके साथ साथ भाई विजेंद्र जी, मैं आपसे कह रहा था इसको हमें शुरू करना है, इसका बकायदा सिस्टम बना करके। मुझे लग रहा है कि हमें टू दी पॉइंट अपनी बात रखनी चाहिए, निश्चित रूप से हमें उसका हल निकलेगा। क्योंकि देश के अंदर मैं किसी को, मैं ठीक है भाजपा से संबंध रखता हूं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी जैन धर्म के प्रति अघात श्रद्धा रखते हैं। आपको ध्यान होगा 2 वर्ष पूर्व उन्होंने लाल किले से उन्होंने कहा था, एक जैन मुनि का उल्लेख किया था किताब का, एक पुस्तक के उन्होंने कहा था, 100 वर्ष पूर्व लिखी हुई पुस्तक, जिसके अंदर लिखा था कि आपका ये जो पानी है, पीने का पानी बोतलों में बिकेगा। और आज वो साक्षात, उस समय जब लिखा था लोगों ने कहा था ये क्या लिख दिया, लेकिन आज वो सामने नजर आ रहा है। मेरा निवेदन है भाई संजय जी, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं कार्यकर्ता, बड़े उत्साही कार्यकर्ता हैं आप लोग, इसके अंदर मैं भी आपके साथ अपने आप को वॉलंटरली ऑफर करता हूं। भूपेंद्र यादव जी जो वन मंत्री हैं झारखंड सरकार, एक पूरी प्रॉपर प्लेस पर पीएमओ से बकायदा संपर्क स्थापित करके हम सब लोग अपनी बात को रखें। आज के इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा फायदा, यहाँ से जो CR जाती है, यहाँ से जो कम्युनिटी रिपोर्ट जाती है, यहाँ से जो CID की रिपोर्ट जाती है, उसके अंदर एक जैन समाज की ताकत आज आपकी रिपोर्ट बनेगी और उसका एक अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आज जो लोग जैन समाज के घर से बाहर निकल करके जो लोग इस तप्ती दोपहरी में आए हैं, वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए, हमको इधर तो आंदोलन का जो हमने शुरू किया है, अभी मोक्ष लक्ष्मीपुर आगे आपका कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन इसके साथ साथ साइड की साइड हमें इसको जो मंत्रालयों का जो काम है वो अगर हम इसको ठीक ढंग से परस्यू करें, ठीक ढंग से इसको प्रेजेंटेशन करें, तो मुझे लगता है कि शायद ये काम हल हो जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी नहीं है, मैं अपने आप को अपनी सेवाएं आपके साथ हर तरह से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं निर्मल जैन जी का, आपका पूर्ण सहयोग हमेशा से हमें बहुत मिलता रहा है और मिलता रहेगा, और जिस प्रकार से आपने आज आकर बल दिया और अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया, मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी। और मैं जानकारी दूं कि 27 जनवरी को हम केंद्र सरकार राज्य सरकारों को नोटिस दे चुके हैं, 17 मार्च को दे चुके हैं, 26 मार्च को दे चुके हैं, 6 अप्रैल को दिया है, इसके बाद हमने 27 मई को दिया है। सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हम चलते हैं, जैसा कि आपको विदित है किसी भी कार्य को कराने के लिए लीगल, पॉलिटिकल, सोशल 3 प्रेशर होते हैं। सबसे पहला प्रेशर होता है सोशल, ताकि जैसे बच्चा अपनी रोकर अपनी माँ को दूध के लिए बोलता है, ऐसे हम सरकार से निवेदन किया। इसके बाद हमारा पॉलिटिकल, राजनीति, क्योंकि हम लोग, हमारे तो कोई MP है नहीं, हमारे तो निर्मल जैन जी हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने हमें आश्वासन दिया हमारे साथ, वो निश्चित रूप से उन्होंने मुझे भी बहुत सारी चर्चाएं की, और हम उनको जो भी डॉक्यूमेंटेशन दी की है हमने, हम सारी डॉक्यूमेंटेशन को उपलब्ध कराएंगे, और उनके साथ जाकर हम जो भी जहां पर भी हमें जैसा आदेश करेंगे निश्चित रूप से हम वो कार्य करेंगे।